चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोले तो भूगोल। यह आता है सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में आता है। सोशल साइंस में ना आता है? सोशल साइंस में कौन आता है? ज्योग्राफी आता है, एक हिस्ट्री आता है, एक पॉलिटी आता है, एक इकोनॉमिक्स आता है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन आता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। इसमें पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए, आज हो जाएगा समाप्त पार्ट 2। आज जो बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना है तो आना। आज हम पार्ट 2 बताएंगे। नाम चैप्टर 2 का क्या नाम है? भूमि एवं मृदा संसाधन। भूमि एवं मृदा संसाधन कल तुम लोग को बहुत डिटेल से पढ़ाए थे ना। आज जो बता रहे हैं खाली मिट्टी के बारे में बताएंगे। भारत में जो है 8 प्रकार का मिट्टी पाए थे। कितने प्रकार का? भारत में 8 प्रकार का मिट्टी पाए थे। कौन बताया जाता है? एक संस्था भारत में, उसका नाम क्या है? देखें तो भारतीय मिट्टी को, भारतीय यानी जो भारत है, भारतीय मिट्टी को मुख्यतः कितना भाग में बांटा गया है? तो भारतीय मिट्टी को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, बांटा गया। इसको बांटने वाला तो को हेवन करेगा, कोई संस्था होगा जो बताया कि भारत में 8 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। तो संस्था का नाम है ICAR। क्या नाम है? ICAR। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन। क्या होता है? इंडियन। I4C4 काउंसिल, C4 काउंसिल ऑफ, A4 अथी यहाँ हो गया, A4 एग्रीकल्चर और R4 रिसर्च। R4 रिसर्च करके 8 भाग में बांट दिया, रिसर्च। समझ आ गया ना? तो ये हो गया क्या कहेगा कहेगा बताओ भारत में जो 8 प्रकार का मिट्टी जो बांटा गया है कि भारत में 8 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, कौन बांटा है? तो बोलना ICAR। क्या बोलना है? बोलेगा ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बोलना है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। समझ आ गया? यानी इसका हिंदी में नाम लिखेंगे तो भारतीय एग्रीकल्चर हो जाएगा कृषि, उसके बाद रिसर्च हो जाएगा अनुसंधान। रिसर्च से अनुसंधान, रिसर्च का हिंदी क्या होता है? अनुसंधान। और काउंसिल का हिंदी परिषद, काउंसिल का हिंदी परिषद। हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमारे देश के मिट्टी को, भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। तुम लोग को बता देना चाहते हैं कि जो मेरा वीडियो नहीं मिलता है तो मोबाइल देख सही आ रहा है, इधर नहीं घूम गया। अगर मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है तुम लोग को तो मेरा फोटो पर क्लिक कर, फोटो पर क्लिक करेगा प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आप लोग को क्वेश्चन आंसर सीरीज साइंस पर क्लिक करेगा तो साइंस का सारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर पर क्लिक करेगा तो सोशल साइंस का सारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार तुम लोग अगर सोशल साइंस और चैप्टर पर क्लिक किया तो सोशल साइंस का सारा चैप्टर का तुम लोग को जो पढ़ाएँ वो मिल जाएगा। फिजिक्स पर क्लिक करेगा तो फिजिक्स का सारा मिल जाएगा वीडियो जितना पढ़ा है। केमिस्ट्री पर क्लिक करेगा तो केमिस्ट्री का मिल जाएगा। बायोलॉजी पर क्लिक करेगा तो बायोलॉजी का मिलेगा। हिंदी पर क्लिक करेगा हिंदी का मिलेगा। एनसीईआरटी मैथ पर क्लिक करेगा एनसीईआरटी मैथ का मिलेगा। और भारतीय भवन पर क्लिक करेगा तो भारतीय भवन का मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। और एक मेरा न्यू चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको भी सर्च करके आप लोग सब्सक्राइब कर ले जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मेरा ही चैनल है, फोटो देख के सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं कि भारतीय मिट्टी को कितना भाग में बांटा गया? 8 भागों में। कितना भाग में बांटा गया? पहला जो मिट्टी है सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? यानी जल के द्वारा ओढ़ देना, यानी जल के द्वारा लाएगा, कहीं ला के पटक देगा, यानी जल के द्वारा ओढ़ दिया तो कहलाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या कहलाएगा? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा नंबर जो मिट्टी है उसको बोलते हैं काला मिट्टी। क्या बोलते हैं? चलो काला मिट्टी बाद में पढ़ते हैं, पहले लाल मिट्टी। क्या बोलते हैं? लाल मिट्टी। क्या तीसरा जो है उसको बोलते हैं? काला मिट्टी। क्या बोलते हैं? काला मिट्टी। क्या बोलते हैं? और चौथा जो है उसको बोलते हैं लेटेलाइट मिट्टी। क्या बोलते हैं? अभी सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन जो है पूछता है ये चार मिट्टी के बारे में पढ़ लिया डिटेल से, समझो चार मिट्टी नहीं हो पड़ेगा तो चलेगा, क्योंकि चार यही चारों मिट्टी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन भी तुम्हारा आएगा तो यही चारों मिट्टी से आएगा। समझ आ रहा है ना? ये चारों मिट्टी इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बोलेगा कौन है? तो एक जलोढ़ मिट्टी हो गया, एक काला मिट्टी हो गया। और पूछेंगे आठों में कितना पढ़ लो तो चार को पढ़ लिया बस हो गया, क्योंकि आठ में से चार मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चारों में से भी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जलोढ़, एक काला। समझ आ रहा है तुम लोग को? अगला बोलेंगे कौन सा मिट्टी, तो अगला बोलेंगे मरुस्थलीय। क्या बोलेंगे? मरुस्थलीय या शुष्क। क्या बोलेंगे? शुष्क। या इसी को बोल सकते हैं रेतीली मिट्टी। क्या बोलेंगे? रेतीली मिट्टी है। तो चलो खाली मरुस्थलीय मिट्टी रहने दो, और नाम बताएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है ना। मरुस्थलीय मिट्टी। छठा नंबर क्या बोलेंगे? छठा नंबर बोलेंगे
छठा नंबर बोलेंगे लवणीय, नहीं तो चलो लवणीय हटाओ, पहले पर्वतीय देख लेते हैं। पर्वतीय मिट्टी, क्या पर्वतीय जो पर्वत पर जो मिट्टी पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पर्वतीय मिट्टी। क्या बोलते हैं? पर्वतीय मिट्टी। सातवां बोलेंगे क्षारीय या लवणीय मिट्टी, क्षारीय या लवणीय मिट्टी, क्षारीय या लवणीय मिट्टी। और आठवां जो है, आठवां जो है उसको बोलते हैं हम पिटमय। क्या बोलते हैं? पिटमय या जैविक, पिटमय या जैविक, या इसको हम दलदली मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलदली मिट्टी। दलदली यानी दलदली क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाए उसको क्या बोलेंगे? दलदली मिट्टी या पिटमय मिट्टी या जैविक मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का, और चलो यही बताते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी का और नाम क्या बताए थे? बताए थे हम क्या मरुस्थलीय मिट्टी का और नाम बताए थे? शुष्क मिट्टी। क्या बताए थे? शुष्क मिट्टी। शुष्क या इसी को बोलते हैं रेतीली मिट्टी। क्या बोलते हैं? रेत। मरुस्थल में रेतन रहता है, रेत समझ रहा है ना, बालू जो बिछा हुआ जो रहता है वो रेतन रहता है, तो रेतीली मिट्टी। क्या बोले हैं? रेतीली मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को हम बोल सकते हैं क्या? पहाड़ी मिट्टी। क्या बोल सकते हैं? अरे पहाड़ी मिट्टी नहीं बोल सकते हैं, पहाड़ी मिट्टी, पहाड़ी, या इसको बोल सकते हैं वनीय मिट्टी, नहीं बोल सकते हैं। तो समझ आ गया। तो हम आठ भाग में, कितना भाग में बांटे हैं? मिट्टी को आठ भाग में बांटे हैं, जिसमें चार, ये जो ऊपर वाला चार है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे उसका ये चार उतना इम्पोर्टेंट ना है, समझ गए? चारों को पढ़ लेंगे उसके बाद समझ आना कि मिट्टी मेरा लगभग खत्म हो गया, समझ गया ना। और ये सबसे ज़्यादा पूछा भारत में मिट्टी कौन पाया जाता है? पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। कौन पाया जाता है? उसके दूसरा नंबर में कौन पाया जाता है? लाल मिट्टी। तीसरा नंबर में कौन पाया जाता है? काली मिट्टी। चौथा नंबर में कौन पाया जाता है? पूछेगा बता भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है? क्या बोलना है? जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलना है? जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग 43% पर पाया जाता है, यानी भारत में जितना भी मिट्टी है उसमें से 43% पर कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी को, या लाल मिट्टी, या इसको बोलते हैं पीली मिट्टी। क्या बोलते हैं? या इसको पीली भी मिट्टी भी बोलते हैं। पीली मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाल मिट्टी जब भींगेगा तो जाएगा पीला, सूखा हुआ है तो लाल, अब भींग जाएगा तो पीला, सूखा है तो लाल, अब भींग जाएगा तो पीला, इसलिए इसको लाल मिट्टी भी बोलते हैं या पीली मिट्टी भी बोलते हैं। तो दूसरा नंबर में है भारत में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी? तो लाल मिट्टी। कौन मिट्टी है? लाल मिट्टी कितना परसेंट भाग पर है? लाल मिट्टी है 19% भाग पर। कितना परसेंट भाग पर है? 19% भाग पर। और काली मिट्टी जो है 18% भाग पर। कितना है? 18% भाग पर है। जितना बच गया यानी अयन, जितना बच गया यानी इतना 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 हो गया, और जितना बच गया उसको बोलेंगे अयन। क्या बोलेंगे? तो अयन जो ये है ये कितना है? 19% पर। कितना परसेंट पर है? समझ गया ना। तो पूछेगा बता भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी है? क्या बोलना है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा नंबर कौन सा मिट्टी है? लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। तीसरा नंबर कौन मिट्टी है? काली मिट्टी। चौथा नंबर कौन मिट्टी है? लैटेलाइट मिट्टी। समझ आ गया? समझ आ गया ना। उसी प्रकार हम क्रम में लिख दिए। तो सबसे ज्यादा पूछेगा ये वाला, दो नंबर तीन नंबर पूछबिन करेगा, पहले नंबर पूछेगा सबसे ज्यादा कौन मिट्टी। क्या बोलना है? जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलना है? अब देख लेते कहाँ कौन मिट्टी पाया जाता है, कहाँ कौन मिट्टी देख, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा हम ध्यान से मैं अब देखना है, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी होता है जल के द्वारा ओढ़ देना, तो जल कौन लाएगा? जल कौन लाता है? नदी लाता है। तो जहाँ जहाँ नदी रहेगा वहाँ पर क्या क्या पाया जाएगा? पाया जाएगा वहाँ, पाया जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या पाया जाएगा? नहीं, जहाँ नदी रहेगा तो नदी का पानी जहाँ तक फैलेगा, जैसे बाढ़ आया नदी पानी पूरा फैल गया, तो जहाँ जहाँ नदी पानी फैला वहाँ पाया जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या जाएगा? यानी जलोढ़ मिट्टी बनता कहीं और है और चल जाता कहीं और है ना। ये नदियाँ द्वारा जो मिट्टी आता है कहीं और बना होगा, और उसको पकड़ के नदियाँ लेकर आया और कहीं जाकर पटक दिया यानी छोड़ दिया, तो क्या जलोढ़ मिट्टी क्या हो गया? तो जहाँ ज़्यादा नदी पाया जाएगा वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाया जाएगा। बिहार में क्या ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है? यूपी में क्या ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है? क्या किसी मैदानी भाग है? नदी क्या कहता है? पहाड़ से मिट्टी को लेकर आता है, काट ले उठ ले और क्या कहता है? मैदानी भाग में बिछा देता है ना, बिछा देता है प्लेन भाग में, क्या कहता है? बिछा देता है। जैसे मान लो ये क्या है? नदी बह रही है। क्या है? नदी बह रही है। अब इसमें आ गया बरसात का सीजन, आया बाढ़ आ गया। क्या आ गया? बाढ़ है तो आया तो क्या करेगा? उधर से मिट्टी एकदम काट ले आएगा, और काट ले आएगा बाढ़ के पानी में पूरा इधर उधर फैल जाएगा, क्योंकि बाढ़ के सीजन में तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, नहीं फैल जाता बाढ़ के सीजन में। अब जब क्या हुआ, इधर पट्टी मिट्टी क्या किया? बिछा दिया। जो काट के लाया मिट्टी क्या किया? बिछा दिया। तुम लोग जाएगा उधर पट्टी, भरैया छत्र जाएगा तो टाल छत्र मिलेगा। बरसात में देखो उधर पट्टी टाल छत्र देखेगा, तुम लोग जाएगा जब ट्रेन से जाएगा तो देखना खाली पानी नहीं रहेगा, जहाँ तक देखेगा नहीं रहता है, बरसात के छत में नहीं आता है, तो पानी कहाँ से आया? पानी आ गया कौन? गंगा नदी में पानी आ गया। कौन नदी में पानी आ गया? तो उस समय आप जब गंगा नदी पानी सूखेगा तो फिर पानी इसी में बहने लगेगा जहाँ पहले बह रहा था, नदियाँ बहेगा, और फिर समय जो मिट्टी आएगा उसको क्या बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलेंगे? तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? जहाँ जहाँ नदी रहेगा वहाँ पाया जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कहाँ पाया जाएगा? और जहाँ पर नदी गिरती है, जहाँ नदी जाके गिरती है उसको बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं? मुहाना। अरे मुहना हो गया, जहाँ गिरेगा वो क्या हो गया? मुहाना। क्या हो गया? जहाँ से निकलेगा उसको बोलते हैं उद्गम। क्या बोलते हैं? और जहाँ जाके गिर गया नदी, कहाँ जाके नदी गिरता है? समुद्र में गिरता है, उसको बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं? तो मुहाना पर तो उसका और मिट्टी मिलेगा, जितना मिट्टी था इधर उधर जो मिट्टी फैल गया वो ठीक है, जो इसमें बहते चले गए कहाँ जाके जमा होगा? मुहाने पर नहीं जमा होगा,
तो मुहाना पर भी क्या कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, जलोल मिट्टी कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, तो पूछा भारत में सबसे ज़्यादा जलोल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब से लेके इस तरह यहाँ पर पूरा, यहाँ पर थोड़ा पश्चिम बंगाल पूरा इस तरह करके असम तक, यहाँ कौन मिट्टी पाया जाता है, जलोल मिट्टी। कौन मिट्टी पाया जाता है, जलोल मिट्टी। कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जलोल मिट्टी। यहाँ से लेके यहाँ तक ना जलोल मिट्टी भरा हुआ है, जलोल मिट्टी का सिर्फ मैदान है, यानी पंजाब से लेके असम तक के मैदान, असम तक के मैदान कौन सा मिट्टी का बना है, तो जलोल मिट्टी का। और ये सबसे बड़ा मैदान है क्योंकि पूरा समतल है, क्या है, समतल है, पंजाब से लेके असम तक। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर आ गया उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया है, यहाँ पर असम आ गया है, ये क्या है, पूरा समतल है। इसको बोलते हैं पंजाब से लेकर असम तक का बृहत मैदान, क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है, बृहत मैदान। तो बोलेगा पंजाब से लेकर असम तक के मैदान में कौन सा मिट्टी है, जलोल मिट्टी। जलोल मिट्टी क्यों होता है, देखो यहाँ बहुत नदी बहता है, बहुत नदी है। देखो यहाँ बहेगा सिंधु, बहेगा झेलम, बहेगा चिनाब, बहेगा रावी, बहेगा ब्यास, बहेगा सतलज, बहेगा फिर अपने देखेगा तो गंगा नदी है, फिर इधर देखेगा तो यहाँ पर यमुना नदी है, फिर यहाँ देखेगा तो राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, दिख रहा है ना, फिर यहाँ तुमको मिलेगा तिस्ता, फिर यहाँ पर इधर देखेगा तो यहाँ पर आ गया, इधर से आ जाएगा ब्रह्मपुत्रा, कौन आ जाएगा ब्रह्मपुत्रा, फिर यहाँ पर बहुत सारा नदी है, यहाँ पर है सुबनश्री, धनश्री, मानश्री, बहुत सारा नदी है, ठीक है ना। तो देख खाली नदी है यहाँ बह रहा है ना, अब तो नदी इधर पर क्या है, इधर हिमालय पर्वत है, इधर क्या है, इधर हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत से काट लुट कर लेकर आएगा मिट्टी को, काट लुट लेकर आएगा कहाँ बिछा देगा, मैदानी भाग में बिछ जाएगा, क्योंकि हिमालय से निकलेगा तो वहाँ तेज रफ्तार से निकलेगा ना, क्योंकि पहाड़ से निकलता है तेज रफ्तार से निकलता है, और जब तेज रफ्तार से निकलेगा तो क्या करेगा, मिट्टी जितना कचरा लाया कहाँ फैला देगा, यहाँ पर प्लेन देगा वहीं फैलाएगा, तो प्लेन यही भाग में है ना। तो बता, तो सबसे बड़ा ज़्यादा मिट्टी कौन पाया जाता है, यही कौन पाया जाता है, और कहाँ पाया जाएगा, तो और देख यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर बताए कौन, यहाँ बताए महानदी कौन बताए, और यहाँ पर बताए गोदावरी कौन बताए, यहाँ बताए कृष्णा, और यहाँ बताए कावेरी। तो ये सब के जो अगल बगल जो है ना, ये सबके अगल बगल भी कौन मिट्टी पाया जाएगा, जलोल मिट्टी, क्योंकि नदी जहाँ रहेगा उसके अगल बगल कौन मिट्टी पाया जाएगा, जलोल मिट्टी। कौन मिट्टी पाया जाएगा, और इसका मुहाना पर, इसका चाहे यहाँ पर गंगा नदी का मुहाना हो, या ब्रह्मपुत्रा नदी मुहाना हो, या महानदी का हो, या गोदावरी का हो, या कृष्णा का हो, या कावेरी को, सबके मुहाना पर कचरा भी जमा रहेगा, कचरा में क्या रहेगा, मिट्टी कौन रहेगा, तो सबके मुहाना पर कौन सा मिट्टी रहेगा, जलोल मिट्टी। फिर यहाँ ध्यान देना है थोड़ा, यहाँ पर बता रहे थोड़ा मैप से, हम ध्यान दें यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो गुजरात में जो है ना, गुजरात में यहाँ पर निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, यहाँ पर नर्मदा नदी, कौन नदी, नर्मदा नदी गिर जाती है यहाँ पर आके, कहाँ पर आके, तो यहाँ पर गिरती है खंभात की खाड़ी में आकर, फिर यहाँ निकलती है तिस्ता नदी, कौन नदी निकलती है, और तिस्ता नदी भी कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। तो इसका भी मुहाना पास, यानी इसका भी दोनों तरफ मुहाना पास भी, और दोनों तरफ कौन सा नदी पाई, कौन सा मिट्टी पाई जाती है, जलोल मिट्टी। कौन सा मिट्टी पाई जाती है, कोई दिक्कत है, तो जलोल मिट्टी के बारे में समझ गया ना, जलोल मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है पूरा अच्छा समझ गया ना, कोई दिक्कत। थोड़ा थोड़ा केरल में भी पाया जाता है, थोड़ा कहाँ पाया जाएगा, जहाँ समुद्र देखते हैं ना, सुनो समुद्र के देखा होगा तो उधर से क्या मतलब लहर मारता है, क्या मारता है, तो लहर मारता है, तो समुद्र में भी जो मिट्टी कचरा होता है वो क्या होता है, साइड लग जाता है, तो वहाँ पर जो मिट्टी होता है समुद्र के लहर से जो उठा हुआ मिट्टी जो साइड में लग जाएगा उसको बोलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, जलोल मिट्टी। क्या बोलते हैं, जलोल मिट्टी बारे में पूरा समझ गया ना। तो पूछेगा बता पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ बृहत मैदान में कौन सा मिट्टी है, जलोल मिट्टी। बोलेगा यहाँ पर बोलेगा गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में। डेल्टा किसको बोलते हैं, जहाँ मिट्टी आके पटक दिया ना अपना, जहाँ मुँह पर आके अपना मिट्टी पटक दिया है, तो वहाँ पर इस प्रकार तुम लोग देखा हो कि यहाँ नदी आता है ना, नदी आके इस तरह यहाँ पर लास्ट में जहाँ पर बहने आप गिरने वाला वहाँ इस तरह फैल जाएगा, तो त्रिभुज आकर के बना लेता है, इसी को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, नदी जहाँ अब लास्ट होने वाला है, जहाँ पर गिरने वाला है, वहाँ पर क्या होगा, नदी आके बहुत सारा भाग में फैल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत चौड़ा भाग होता है, फैल जाता है, तो त्रिभुज बन गया ना, इसी को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, तो बोलेगा तुम लोग बता कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के मुहाने यानी डेल्टा में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, जलोल मिट्टी। कोई दिक्कत है, पूछेगा बता कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा मिट्टी पाई जाती है, समझ आ रहा है ना, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की घाटी में, घाटी समझ रहा है, दोनों तरफ घाटी में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, जलोल मिट्टी। बोलेगा समुद्र से उठा हुआ लहर साइड में कौन सा मिट्टी जमा कर लेता है, जलोल मिट्टी। कोई दिक्कत है, तो याद हो गया तुम लोग को। अब जलोल मिट्टी के बाद रहते काला मिट्टी कहाँ पाया जाता है, काला मिट्टी अभी हम सब क्षेत्र बता देंगे, उसका पूरा डिटेल से लिखाएंगे, पहले अभी मैप में पूरा समझ लो, समझ गया ना, पूरा मैप में अभी समझ लो कौन कहाँ है। जलोल मिट्टी के बारे में कोई दिक्कत है, जलोल मिट्टी कहाँ पाया जाता है कोई दिक्कत है, अभी उसके बारे में पॉइंट भी लिखाएंगे, लेकिन पहले हम बता रहे हैं कौन मिट्टी कहाँ पाया जाता है, कौन मिट्टी कहाँ पाया जाता है। अब देख अगर हम पहले लाल मिट्टी देख लेते हैं, कौन मिट्टी देखते हैं, तो लाल मिट्टी जो है यहाँ पर एक पठार है, झारखंड से लेके छत्तीसगढ़, यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब देख यहाँ पर एक क्या है, पठार है, क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर एक पठार है,
कहाँ पर? ये हो गया झारखंड, हो गया छत्तीसगढ़, हो गया उड़ीसा, हो गया उसके बाद तेलंगाना, हो गया उसके बाद आंध्र प्रदेश, हो गया और तमिलनाडु हो गया। यहाँ पर एक पठार है जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। पठार तुम्हें समझता है ना? ऊपर उठल है और ऊपर उठा, अगर पूरे ऊपर हजार सा उठ गया तो क्या हो गया? पहाड़। क्या हो गया? लेकिन ऊपर उठ के प्लेन हो गया तो क्या हो जाएगा? पठार। क्या हो गया? पठार। समझ गया ना? ऐसे ऐसे उठ गया तो क्या हो गया? पहाड़। क्या हो गया? पहाड़। ऊपर ऐसे उठ के ऐसे प्लेन हो गया, क्या हो गया? पठार। अरे तो उठल ना है, खाली सुतल ऐसे, क्या हो गया? मैदान। क्या हो गया? मैदान। क्या हो गया? तो यहाँ जो बताए थे हम पंजाब से लेकर असम तक क्या था मैदान? क्या था? जहाँ जलोल मिट्टी था, क्या था? तो हम बोल रहे हैं यहाँ दक्कन का पठार। क्या बोल रहे हैं? तो दक्कन के पठार में पूछेगा कौन सा मिट्टी पाई जाती है, बोलना लाल मिट्टी। क्या बोलना है? दक्कन के पठार में कौन सा मिट्टी पूछेगा? झारखंड में अधिकतर कौन मिट्टी? लाल मिट्टी। छत्तीसगढ़ में अधिकतर कौन मिट्टी? लाल मिट्टी। उड़ीसा में अधिकतर कौन मिट्टी? लाल मिट्टी। तेलंगाना में अधिकतर कौन मिट्टी? लाल मिट्टी। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में अधिकतर कौन मिट्टी? तेलंगाना में अधिकतर कौन मिट्टी? लेकिन बोलेगा यहाँ समुद्र के किनारे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? समुद्र के किनारे रहेगा ये जलोढ़ मिट्टी। बता दें क्योंकि नदी यहीं पर आकर गिरता है, तो समुद्र के किनारे क्या रहेगा? जहाँ पर मुहा रहेगा नदी के, वहाँ क्या जलोढ़ मिट्टी क्या रहेगा? समझ आ रहा है तुम लोग को? तो यहाँ पर लेकिन पूछेगा कि लाल मिट्टी ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा झारखंड, अथी यहाँ झारखंड में कि छत्तीसगढ़ में कि उड़ीसा में कि तेलंगाना में कि यहाँ पर हो गया आंध्र प्रदेश में कि तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? उसी प्रकार पूछेगा जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। सिंपल देख लो, उत्तर प्रदेश वही बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, देख रहा है ना? ना रहे क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी सिम बहता है, यमुना नदी सिम बहता है, राम गंगा गोमती घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक सब बह रहा है, जरा नदी बह रहा है तो सभी सिम में होगा। तो बता जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन पूछेगा लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। उठा पटक देंगे ना? क्या बोल रहे हैं? तमिलनाडु। कहाँ पर बोल रहे हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और दक्कन का पठार किस मिट्टी से बना है? लाल मिट्टी से। किस मिट्टी से? तो दिक्कत है, लाल मिट्टी देख लिए कहाँ पर है। लाल मिट्टी लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी, लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है। समझ आ गया ना? लाल मिट्टी बारे में जान गया ना? अब ध्यान दे, भारत के जो मिट्टी है ना उसमें तीन चीज़ का अभाव है, चाहे कोई भी मिट्टी हो उसमें तीन चीज़ का अभाव है। किसका अभाव है? वो नाइट्रोजन का अभाव है। किसका अभाव है? अच्छा क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस समझता है ना? ह्यूमस मतलब हो गया कि पेड़ पौधा और जीव जंतु के सरा गला हुआ अवशेष को बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? जैसे गोबर को सरा गला दिया तो क्या बन गया? ह्यूमस। क्या बन गया? पेड़ पौधा को सर गया, पेड़ पौधा कट गया, उसका पत्ती तो गिर गया, सर गया तो क्या बन गया? ह्यूमस। क्या बन गया? कोई जीव जंतु सर गया ना पुराने, उसमें अथी उसमें एक सूक्ष्म जीव लग गया और पुराना सर गया तो मिट्टी बन जाता है ना, तो उसको बोलेंगे ह्यूमस। क्या बोलेंगे? तो ह्यूमस किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधा जीव जंतु के सरा गला अवशेष को ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है ह्यूमस में? तो जो भारत की जो मिट्टी है ना उसमें तीन चीज़ें कमी होता है, एक नाइट्रोजन का कमी होता है, एक ह्यूमस का कमी होता है और एक होता है फास्फोरस का कमी। क्या होता है? चाहे वो बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी में किसका कमी होता है तो बोलेंगे नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस का। बोलेंगे लाल मिट्टी में किसका कमी है तो वही फास्फोरस, अथी नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस का। बोलेंगे काली मिट्टी में किसका कमी है तो वही नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस के। यानी भारत का जो मिट्टी है ना इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस का कमी होता है। क्या होता है? इसलिए हम डालते हैं यूरिया। क्या डालते हैं? क्योंकि यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन होता है। कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? अगर हम लोग का मिट्टी में नाइट्रोजन रहवे करता तो हम लोग यूरिया डालते हैं? नहीं डालते हैं। इसलिए हम लोग का मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है इसलिए क्या डालते हैं? यूरिया। क्या डालते हैं? और हम लोग का मिट्टी में ह्यूमस की कमी है इसलिए डालते हैं खाद। क्या डालते हैं? जैसा गोबर वो डालते हैं ना, अगर हम लोग का मिट्टी में खाद बहुत मात्रा में रहता है, ह्यूमस बहुत मात्रा में रहता है, तो हमको खाद डालने की जरूरत पड़ता, गोबर वो डालने की जरूरत पड़ता नहीं पड़ता, इसलिए डालते क्या डालते हैं? खाद डालते हैं, गोबर वोबर डालते हैं। समझ आ गया ना? तो पूछेगा भारत की मिट्टी में क्या चीज़ की कमी पाया जाता है? तीन चीज़, नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस। नाइट्रोजन, ह्यूमस और इसलिए हम लोग क्या डालते हैं? डीएपी। क्या डालते हैं? डीएपी में क्या होता है? डीएपी यानी पीपर फास्फोरस। क्या होता है? पीपर फास्फोरस। समझ आ रहा है ना? इसलिए डीएपी ओपी डालते हैं कि फास्फोरस उसको मिल जाए। समझ आ गया ना? तो भारतीय मिट्टी में किसका कितना चीज़ कमी है? तीन चीज़, फास्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन पहले, उसके बाद क्या ह्यूमस, उसके बाद फास्फोरस। समझ आ गया ना? लाल मिट्टी देख लिया, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्या उठा पटक देंगे फटके जाएगा जानवर कहीं का। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहा के ऑक्साइड के कारण, लोहा के ऑक्साइड के कारण। समझ आ गया ना? उसके बाद लाल मिट्टी में जब पानी मिल जाएगा, लाल मिट्टी पानी में मिल जाएगा तो क्या जाएगा? पीला। क्या जाएगा? इसलिए उसको बोलते हैं लाल या पीली मिट्टी। लिखाए थे ना? अब लाल मिट्टी देख लिए, अब देखते हैं काली मिट्टी। क्या देखते हैं? काली मिट्टी। काली, समझ तुम लोग कह रहे हैं? अगर मैप नहीं लेते तो खाली ऐसी, अगर हम बगते तो कुछ समझ नहीं आता, मैप लेके बता रहे हैं। काली मिट्टी जो है ना यहाँ पाया जाता है, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर। तो पूछा को बता काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो देख यहाँ पर तुम लोग जानता है ना, यहाँ ध्यान दे, इधर होता है पूर्व, इधर क्या होता है? इधर सूर्य भगवान उगता है, होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम। क्या होता है? ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। क्या होता है?
तो काली मिट्टी पाया जाता है पश्चिम भाग में, किधर पाया जाता है, किधर पाया जाता है पश्चिम भाग में, कहाँ पाया जाता है इधर पश्चिम में नीचे में मतलब पठार के पश्चिम भाग में, कहाँ पाया जाता है पश्चिम भाग में। पूछेगा काली मिट्टी, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सिंपल देखिए महाराष्ट्र में है। तो काली मिट्टी पूछेगा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, क्या बोलना है, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, जलोल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में। उससे बगैर काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, कहाँ पाया जाता है। और काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो थोड़ा मध्य प्रदेश में भी, थोड़ा यहाँ पर गुजरात में भी पाया जाता है, गुजरात वाला रीजन में भी, थोड़ा यहाँ पर हो गया क्या राजस्थान के निचला वाला दक्षिण भाग में पाया जाता है, दक्षिणी भाग में हुआ, राजस्थान के दक्षिण वाला भाग हो गया, थोड़ा यहाँ पर देख कर्नाटक में भी पाया जाता है, थोड़ा तेलंगाना थोड़ा सा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कहाँ कहाँ काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर महाराष्ट्र में, कहाँ पर, उसके बाद कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में, कर्नाटक में, समझ आ गया। लेकिन पूछा सर्वाधिक कहाँ, तो क्या बोलना है महाराष्ट्र, क्या बोलना है। अब काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, होता है बेसाल्ट चट्टान से, किससे होता है, बेसाल्ट चट्टान, क्या बोल रहे हैं हम, बेसाल्ट चट्टान। अच्छा बेसाल्ट चट्टान कैसे बनता है, तो जब ज्वालामुखी फटता है, तुम लोग टीवी में फिल्म में देखता होगा, यहाँ कहीं पर ज्वालामुखी रम निकलता है इस तरह करके, यहाँ पर मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर खाली आग भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, पिघला हुआ है। पृथ्वी के अंदर जाएगा बहुत ज़्यादा, जब अंदर जाएगा तो जब बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा ना कोर में उसका, हम लोग नागिन बजा के जाता है, पृथ्वी के अंदर जब बहुत अंदर, पृथ्वी जितना अंदर जाएगा धीरे गर्मी बढ़ते चल जाएगा, जैसे कोयला खान में जाना तुम लोग, जितना अंदर जाएगा गर्मी क्या होता है, बढ़ते जाता है, समझ आ रहा है ना। तो जब बहुत अंदर जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर जो है खाली पिघला हुआ है, मैग्मा खाली आग है, क्या है आग है, क्या है आग है, समझ रहा है ना, मैग्मा ना पिघला हुआ, ऐसे ना तुम लोग लोहा के पिघला रहता है पूरा लाल लगता है, उस वगैरह पृथ्वी के अंदर पूरा मैग्मा पिघला हुआ है। और जब इसको रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने तो उसके बोलते हैं ज्वालामुखी, क्या बोलते हैं ज्वालामुखी, बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तुम लोग टीवी में देखा होगा, एकदम निकल रहा है एकदम पूरा अथी आग निकलता होगा, इस तरह फैलते हुए चला जाता होगा, देखा है तुम लोग, देखा है तुम लोग, निकलते रहेगा आग निकलते रहेगा। तो जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसको बोलते हैं क्या, जो निकल रहा है उसको बोलते हैं लावा, क्या बोलते हैं, जो निकल रहा है आग पृथ्वी के अंदर उसको बोलते हैं लावा, क्या बोलते हैं। अरे लावा इधर बहते चल जाएगा ना, आग की तरफ बह रहा है, इधर इधर बह रहा है, धीरे धीरे क्या होगा ठंडा, क्या होगा, जब ठंडा हो जाएगा तो बन जाएगा एकदम कठोर चट्टान, क्या बन जाएगा कठोर, और उस चट्टान को बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान, क्या बोलते हैं। और बेसाल्ट चट्टान जब टूटेगा फूटेगा, यानी जब एक दिन में नहीं टूटता है, हजारों साल में टूटता है, तो हजारों साल में धीरे धीरे टूटेगा फूटेगा सलेगा गलेगा तो बन जाएगा मिट्टी, क्या बन जाएगा। और जब मिट्टी बनेगा तो कौन मिट्टी बनेगा, काली मिट्टी, कौन मिट्टी बनेगा, काली मिट्टी। तो बोल, तो बोले काली मिट्टी किस चट्टान से बनता है, बेसाल्ट चट्टान से, कौन चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से। और काली मिट्टी की बेसाल्ट चट्टान से बना है, और काली मिट्टी क्या बना, लावा का ठंडा होने से बना है, तो काली मिट्टी को हम लावा मिट्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लावा मिट्टी को। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि काली मिट्टी, काली मिट्टी को जो है हम लोग लेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बोलेगा बता काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, क्या बोलना है, लेगुर मिट्टी, क्या बोलना है, लेगुर मिट्टी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, इसलिए ध्यान रखना। बोलेगा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो लेगुर मिट्टी। काली मिट्टी किस चट्टान से बनता है, बेसाल्ट चट्टान से। काली मिट्टी का और दूसरा नाम क्या है, तो और है लावा मिट्टी, क्या है, लावा मिट्टी। लावा मिट्टी क्यों, क्योंकि लावा अंदर से लावा निकला है तो उसी को ठंडा होने से बना है, जिसको लावा मिट्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, होता है तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कपास का, कोसे काली कोसे कपास, याद रहेगा आएगा। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है, कपास का, कोसे काली कोसे। तो बोलेगा कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को। कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को, किसको बोलेंगे, काली मिट्टी को। तो बोलेगा कपास का उत्पादन सर्वाधिक किस मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में। तो कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को। लेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को। लावा मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को। कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को। समझ आ गया। काली मिट्टी किससे बनता है, तो बेसाल्ट नामक चट्टान के टूटने फूटने से, बेसाल्ट नामक चट्टान के टूटने फूटने से। और बता बेसाल्ट नामक चट्टान कहाँ पाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में, कहाँ पाया जाता है। जब बेसाल्ट नामक चट्टान महाराष्ट्र में है, तो काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। याद होगा काली मिट्टी बारे में, समझ आ गया ना, काली मिट्टी बारे में समझ आ गया ना। काली मिट्टी कार क्यों होता है, काली मिट्टी काला क्यों होता है, इसे बताते हैं। लाल मिट्टी लाल क्यों होता है, तो बताते हैं लोहे के ऑक्साइड के कारण, लोहे के ऑक्साइड के। अभी हम कुछ नहीं लिखा रहे हैं, सब जब लिखना शुरू करेंगे जितना बोल रहे हैं सब लिखवा देंगे, समझा रहे हैं, उसमें समझाएंगे नहीं, अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं। तो लोहे के ऑक्साइड के लोहे के ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल मिट्टी लाल क्या होता है, उसी में काली मिट्टी काला क्यों होता है। तो लोहा जब एल्युमिनियम के टाइट, यहाँ ध्यान देख बंद कहाँ ध्यान दे, जब लोहा जो है ना, लोहा एल्युमिनियम के टाइट टेनो मैग्नेटाइट, क्या बोल रहे हैं, टाइटेनो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। जब लोहा
एल्युमिनियम के टाइटेनोमैग्नेटाइट के जीवाश्म में और इसमें एल्युमिनियम सिलिकेट मिल जाता है जिसका रंग क्या होता है काला, क्या होता है काला। तो तुम लोग सिर्फ इतना ध्यान देना कि जहाँ टाइटेनोमैग्नेटाइट मिलेगा तो उसमें टिक मार देना, ये नाम थोड़ा अल्टर है ना, तो जहाँ पर उतना लंबा चौड़ा नहीं ध्यान देना, यहाँ ध्यान दे। जब लोहा एल्युमिनियम के टाइटेनोमैग्नेटाइट के जीवाश्म में क्या मिल जाता है, एल्युमिनियम सिलिकेट मिल जाता है और लोहा मिल जाता है तो क्या बनता है काली मिट्टी, क्या बनता है रंग उसे काला जाता है, रंग उसे क्या जाता है। फिर बोल रहे हैं काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो एल्युमिनियम के टाइटेनोमैग्नेटाइट, एल्युमिनियम के टाइटेनोमैग्नेटाइट में जब लोहा और एल्युमिनियम का सिलिकेट मिल जाता है तो हो जाता है उसका रंग काला, क्या जाता है। तो उतना ध्यान नहीं देना, तुम लोग को ध्यान देना वर्ड पर टाइटेनोमैग्नेटाइट, ये जहाँ मिलेगा उसमें मार देना, कहेगा काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है तो खली नहीं आएगा, मार देना। समझ आ गया तुम लोग को, समझ आ गया। तो काली मिट्टी बारे में समझ आ गया ना, कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है काली मिट्टी में, लेगुन मिट्टी किसे कहते हैं काली मिट्टी को, लावा मिट्टी किसे कहते हैं काली मिट्टी को, कपासी मिट्टी किसे कहते हैं काली मिट्टी को, समझ आ गया ना। काली मिट्टी कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में, काला मिट्टी का निर्माण किससे हो गया बैसाल चट्टान से, कोई दिक्कत है, काली मिट्टी बारे में खत्म हो गया ना। तो क्या बताया था, अभी बताया था जलोल मिट्टी सर कहाँ है जरा उत्तर प्रदेश में बताए थे, फिर क्या कि जो लाल मिट्टी को कहाँ पाया था दक्कन के पठार में, दक्कन के लाल मिट्टी का रंग लाला क्यों लाल क्यों हुआ लोहे के ऑक्साइड के कारण, हम बार बार इसलिए बोले तुम लोग को याद है, लोहे के ऑक्साइड के लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ था तमिलनाडु में, कहाँ था तमिलनाडु में, हो गया तीन मिट्टी खत्म हो गया ना। अच्छा चौथा मिट्टी रहते हैं, क्या रहते हैं चौथा मिट्टी जो लेते लाइट मिट्टी, क्या है समझ तुम लोग आ रहा है याद हो रहा है, हम बार बार इसलिए बोल रहे तुम लोग को याद हो जाए क्योंकि हम खाली ऐसे एक बार पढ़ाई चल जाएंगे तो तुम लोग कितना याद होगा पता चल गया, ऐसे क्वेश्चन आना है जितना अभी हम बोले उसको क्वेश्चन आना है तो आना है फिक्स है। चलिए ध्यान दे, अब देख रहे हैं कौन सा मिट्टी, अब देख रहे हैं हम लैटेराइट मिट्टी, क्या देख रहे हैं देखो लैटेराइट मिट्टी वहाँ बनेगा, लैटेराइट मिट्टी कहाँ बनेगा तो लैटेराइट मिट्टी वहाँ बनेगा जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, वर्षा बहुत और गर्मी भी बहुत ज़्यादा तब बनेगा लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी बनने के लिए दो चीज़ चाहिए, कितना चीज़ चाहिए, वर्षा एकदम हुमच के और गर्मी भी हुमच के, समझ आ रहा है ना, तब बनेगा लैटेराइट मिट्टी, क्या बनेगा लैटेराइट मिट्टी, बता बिहार में लैटेराइट मिट्टी बनेगा तो वर्षा उमच के ना होता है, वर्षा उमच के मतलब समझ रहा है इतना वर्षा होकर लगभग जैसे रहता है उत्तराखंड में किस तरह कभी कभी बारिश होता है, हमेशा नहीं होता है लेकिन कभी कभी किस तरह बारिश होता है कि पूरा उत्तराखंड को दोहा देता है, रहता है ना। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, होता है कि यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे यहाँ इस रीजन में होता है, कहाँ होता है ए बंदर सर्वाधिक वर्षा, यहाँ ध्यान दे बिहार में देख बिहार, यहाँ ध्यान दे उत्तराखंड में भी बारिश ज़्यादा होता है, उत्तराखंड में बारिश ना होता है हर साल देखेगा उत्तराखंड में तबाही आ जाता है ना, उत्तराखंड में हर साल तबाही आ जाता है ना, लेकिन उत्तराखंड में उतना गर्मी नहीं पड़ता है इसलिए वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी नहीं बनता है, क्योंकि उत्तराखंड में जाएगा तो वहाँ पर देखा बर्फ फूल रहेगा रहता है ना, समझा तो वहाँ पर छुट्टी मनाने आता है ना, तो उत्तराखंड में भी वर्षा तो हुमच के हो गया लेकिन गर्मी हुआ हुमच के, तो यहाँ लैटेराइट मिट्टी नहीं बनेगा, यहाँ लैटेराइट मिट्टी जहाँ पर वर्षा भी हुमच के हो और गर्मी भी हुमच के हो वहाँ क्या बनेगा लैटेराइट मिट्टी, क्या बनेगा। तो केरल को जो यहाँ देखें ध्यान दे, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उससे गर्मी बढ़ती जाता है, तो वो देखें कश्मीर में बर्फ जमा होता रहता है जमा रहता है ना, यहाँ ठंडा बहुत जा रहा है ठंडा बहुत, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश चल जाए उत्तराखंड चल जाए समय क्या है ठंडा ज़्यादा है ठंडा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो थोड़ा उत्तर प्रदेश में और गर्मी मिलेगा, मध्य प्रदेश में और गर्मी मिलेगा, उसी प्रकार महाराष्ट्र में और गर्मी मिलेगा, तेलंगाना में और गर्मी मिलेगा, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में और गर्मी मिलेगा, और तमिलनाडु में चल जाएंगे तो और गर्मी मिलेगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे उससे गर्मी बढ़ेगा, क्यों क्योंकि नीचे है क्या नीचे है यहाँ पर विषुवत रेखा क्या है, और विषुवत रेखा के जैसे जैसे नज़दीक पहुँचेंगे उससे गर्मी क्या होगा बढ़ेगा, क्या होगा, इसलिए दक्षिण अफ्रीका जो है ना अफ्रीका जो महाद्वीप है वो विषुवत रेखा पर है, हम जानते हैं विषुवत रेखा पर वो ज़्यादा गर्मी होता है, अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप जो है कहाँ है यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है ये क्या है विषुवत रेखा पर कहाँ है, यहाँ ध्यान दो तुम लोग ये लोग को भी दिखा रहते हैं, यहाँ ध्यान दो ये जो अफ्रीका महाद्वीप देख रहा है ना देख रहे ये विषुवत रेखा क्या है ये विषुवत रेखा है, तो अफ्रीका महाद्वीप देख कहाँ है विषुवत रेखा पर है, और तुम लोग जानता है कि विषुवत रेखा पर गर्मी भी हुमच के और बारिश भी हुमच के, तो यहाँ पर गर्मी हुमच के पड़ता है इसलिए क्या होता है अफ्रीका के लोग एकदम काला होता है, तुम लोग देखा है कि ना, तो जहाँ ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ पर लोग क्या काला क्या होगा काला, और यहाँ जैसे से ऊपर जाएंगे तो होगा गोरा होते जाएगा, जैसे से नीचे आएंगे तो गोरा होते जाएगा, समझ आ गया। तो भारत देख भारत क्या है थोड़ा ऐसे ऊपर है थोड़ा ऐसे क्या है ऊपर है ना ऊपर, तो देख यहाँ पे तुम लोग साउथ वाला फिल्म देखता होगा साउथ में चलो काला होता होता है नहीं रहता जितना भी गुंडा रहता है सब अथी लुंगी पहने रहता है काला होता है ना, क्योंकि थोड़ा नज़दीक में है और जैसे जैसे ऊपर जाता है सब गोरा होता जाता है, देखा है तुम लोग की ना, तो भारत में जाता ज़्यादा काला है ना तो ज़्यादा गोला है श्यामला है ना, लेकिन साउथ में जाकर तुम लोग काला मिलेगा मिलता है, और और ऊपर जाए ऊपर जाएंगे तो पहुँच जाएगा चीन, चीन में थोड़ा गोरा होता है ना होता है ये सब कुछ भी खाया जाता है कुछ भी खाया जाता है चाय करते रहता है यहाँ ध्यान, फिर पहुँचेगा रूस कहाँ पहुँचेगा तो रूस में भी क्या होता है गोरा होता है, उसी प्रकार देख यहाँ पर इसे क्या अमेरिका हो गया यहाँ पर हो गया इंग्लैंड हो गया यहाँ पर हो गया फ्रांस व्रांस सब गोरा मिलेगा मिलता है ना, क्यों क्योंकि लोग क्या है विश्व रेखा से ऊपर है, तो गोरा काला क्यों होता समझ गया ना, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगा हो जाएगा काला, जहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ेगा हो जाएगा गोरा, समझ आ गया तुम लोग को।
तो क्या बता रहे हैं अभी हम लैटेलाइट मिट्टी, तो क्या बोले लैटेलाइट मिट्टी कहाँ बनेगा, लैटेलाइट मिट्टी वहाँ बनेगा जहाँ पर अधिक वर्षा हो, यानी हुमस की वर्षा, हुमस की गर्मी। तो ध्यान दें, यहाँ पर तो हुमस की गर्मी होता है, यहाँ भी हुमस की गर्मी होता है, लेकिन यहाँ हुमस की वर्षा नहीं होता है, इस सब क्षेत्र में हुमस की वर्षा नहीं होता है। हुमस की गर्मी है यानी गर्मी ज़्यादा है लेकिन वर्षा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर केरल जो है ना, केरल जो है यहाँ वर्षा सबसे पहले कहाँ होता है, केरल में, याद रखना। जब भी मानसून आएगा, जब बारिश का सीजन आएगा, तो इधर से आता है बारिश का सीजन, ठीक है ना, बारिश किधर से आता है, इधर से, क्योंकि समुद्र इधर है ना, तो इधर से मानसून आता है, इधर मानसून किधर से आता है, इधर से आता है। तो जब भी मानसून आएगा, तो तुम लोग पूछा कि मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है, तो कहाँ करता है, केरल में। कहाँ करता है, तो सबसे नीचे केरल है ना, और मानसून इधर से आना शुरू करता है, तो कहाँ पहुँचता है, केरल में, कहाँ पहुँचता है, और केरल नीचे है, यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो लैटेलाइट मिट्टी बनेगा नहीं बनेगा। तो केरल क्या है, नीचे है, यहाँ गर्मी भी ज़्यादा है, गर्मी भी और वर्षा भी एकदम हुमच के हो जाता है, इसलिए यहाँ बन जाता है लैटेलाइट मिट्टी। क्या बनता है तो बताओ, तो कहेगा लैटेलाइट मिट्टी क्यों बनता है, तो लैटेलाइट मिट्टी उस क्षेत्र में बनता है जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ लैटेलाइट मिट्टी बनता है। फिर तुम लोग क्वेश्चन पूछेगा कि लैटेलाइट मिट्टी जो है सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो क्या बोलना है, केरल। क्या बोलना है, केरल। क्या बोलना है, केरल में। समझ आ गया। फिर पूछेगा कि लैटेलाइट मिट्टी में किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, चाय का उत्पादन। किसका उत्पादन, चाय। हम लोग जो चाय पत्ती होता है ना, तो चाय पत्ती का उत्पादन कहाँ होता है, लैटेलाइट मिट्टी में। देखना, केरल में चाय पत्ती का उत्पादन होता है। कॉफ़ी का उत्पादन, कॉफ़ी जो पीता है ना, वो कहाँ, किस मिट्टी में होता है, लैटेलाइट मिट्टी में। कॉफ़ी का उत्पादन भी अच्छा तरह से होता है। समझ आ गया तुम लोग को, कोई दिक्कत है लैटेलाइट मिट्टी में। और लेटर मतलब होता है ईट, लेटर मतलब क्या होता है, लेटर के मतलब होता है ईट। क्या होता है, यानी जब ये मिट्टी सूखेगा ना, तो बन जाएगा ईटा की तरह, जैसे हम लोग ईटा को पकाते हैं ना, तब ईटा को हम लोग पकाते हैं तब ईटा उतना कठोर होता है, लेकिन ये मिट्टी अपने सूखेगा तो हो जाएगा ईटा की तरह कठोर, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लेटर। लेटर मतलब, लेटर का इंग्लिश होता है, लेटर का अर्थ होता है ईट। क्या होता है, तो समझ आ रहा है। तो बोले कौन सा मिट्टी ईटा की तरह कठोर होता है, अपने आप ईटा की तरह कठोर जाता है, कौन होता है, लैटेलाइट मिट्टी, लैटेलाइट मिट्टी, लैटेलाइट। समझ गया ना, यानी हम लोग जब मिट्टी को पकाते हैं तब उतना कठोर होता है ईटा, लेकिन ये अपने आप खाली सूखेगा ना तो उतना कठोर हो जाएगा। समझ आ गया तुम लोग को। अब यहाँ जब ज़्यादा वर्षा और हमेशा गर्मी होता है, तो कौन मिट्टी बनता है, लैटेलाइट मिट्टी, कौन बनता है, तो इस विधि को, यानी जब ज़्यादा गर्मी हुआ और ज़्यादा वर्षा हुआ तो बन जाता है लैटेलाइट मिट्टी। तो जोन विधि के द्वारा बनता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं निछालन विधि। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, निछालन विधि, निछालन विधि, निछालन। तो बोलेगा बता, निछालन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग, लीची नहीं बोल रहे हैं, लीचिंग। क्या बोल रहे हैं, तो बोलेगा बता, निछालन विधि द्वारा कौन सा मिट्टी बनता है, लैटेलाइट मिट्टी। निछालन विधि द्वारा कौन सा मिट्टी बनता है, लैटेलाइट मिट्टी। लीचिंग विधि द्वारा, उसको इंग्लिश में, निछालन को इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं, तो लीचिंग विधि द्वारा कौन सा मिट्टी बनता है, लैटेलाइट मिट्टी। लेटर का क्या अर्थ होता है, ईट। ईट क्यों अर्थ होता है, जिस तरह ईट कठोर होता है ना, उस प्रकार मिट्टी सूखने पर अपने आप कठोर हो जाता है। समझ आ गया तुम लोग को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, लैटेलाइट मिट्टी बारे में पढ़ लिए ना। अब बचा है कौन, चार मिट्टी और बचा है। अब कौन बचा है, मरुस्थलीय या शुष्क या लेटेरी मिट्टी, मरुस्थलीय या शुष्क या लेटेरी मिट्टी, यानी बचा है। क्या बता है, बचा है, तो बचा है क्या, मरुस्थलीय। क्या बचा है, मरुस्थलीय मिट्टी बोले या बोले शुष्क, शुष्क मतलब सूखा हुआ, शुष्क मतलब, तो बता, मरुस्थल में सूखे, मरुस्थल में मरुस्थल क्यों बन गया, क्योंकि सूखा हुआ था ना, मरुस्थल बना, तो शुष्क मतलब सूखा हुआ, जहाँ बारिश बहुत कम होता है वहीं मरुस्थल बनेगा, वहीं मरुस्थल बनेगा। तो मरुस्थलीय या शुष्क या लेटेरी, क्या बोल रहे हैं, लेटेरी समझ रहा है, रेत यानी बालू का, लेत बालू का। तो बता, मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टी या रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टी या रेतीली मिट्टी कहाँ से पाया जाएगा, तो जहाँ मरुस्थल रहेगा, तो मरुस्थल भारत में कहाँ है, तो राजस्थान में है, राजस्थान है ना मरुस्थल, थार का मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में, कहाँ पर है, और राजस्थान में कौन भाग में, तो ये पश्चिम वाला भाग में, किधर है, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया, तो जितना भी जयपुर पूरे सब इधर है, जितना भी बड़ा शहर सब क्या कहाँ, इधर है, लेकिन इधर इस क्षेत्र में क्या है, पश्चिम क्षेत्र में क्या है, मरुस्थल क्या है। तो बोलेगा बता, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलना, राजस्थान में। क्या बोलना, तो राजस्थान में भी है, थोड़ा यहाँ पंजाब है ना, तो पंजाब भी राजस्थान से सटल है, तो थोड़ा दक्षिण पंजाब में, ऊपर तो उत्तर पंजाब हो गया, नीचे हो गया दक्षिण पंजाब, क्या हो गया, ये हरियाणा, ये क्या है, तो हरियाणा भी देखो, ऊपर वाला हरियाणा नहीं है, नीचे वाला हरियाणा, यानी दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में कौन सा मिट्टी, तो राजस्थानी मिट्टी, कौन सा मिट्टी, राजस्थानी मिट्टी। समझ आ रहा है, थोड़ा गुजरात में, कौन सा गुजरात में, ऊपर वाला गुजरात में, नीचे वाला नहीं है, क्योंकि राजस्थान, राजस्थान से जो सटल रहेगा उसी में, तो कौन सा गुजरात सटल है, ऊपर वाला सटल है, तो उत्तरी गुजरात में, उत्तरी गुजरात में, कौन सा मिट्टी, तो मरुस्थलीय मिट्टी, कौन सा मिट्टी, तो बताओ मरुस्थलीय मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में, कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है, तो पश्चिमी भाग में, मरुस्थलीय मिट्टी पंजाब के कौन से भाग में पाया जाता है, पंजाब के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में सटल है, मरुस्थलीय मिट्टी हरियाणा के कौन से भाग में पाया जाता है, दक्षिण भाग में, ये दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में सटल है, मरुस्थलीय मिट्टी गुजरात के कौन से भाग में पाया जाता है, तो उत्तर भाग में, कि उत्तरी भाग में सटल है। समझा गया,
तो मरुस्थलीय मिट्टी की समझ आ गया। मरुस्थलीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? शुष्क मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेतीली मिट्टी। समझ आ गया तुम लोग को? मरुस्थलीय मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। समझ आ गया? कोई दिक्कत? अगला पढ़ना है आपको कौन सा? अगला आप कौन है? अगला कौन है? पर्वतीय मिट्टी। कौन है? तो सिंपल है, जहाँ पर्वत रहेगा वहाँ पर्वतीय मिट्टी, जहाँ पर्वत रहेगा वहाँ पर्वतीय मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी, या पहाड़ी मिट्टी। तो बता, पर्वत बिहार में है क्या? बिहार में तो पर्वत ना है, बराबर पर्वत है ना? उत्तर प्रदेश पर्वत है, यहाँ क्या है? मैदान। क्या है? इसलिए बिहार उत्तर प्रदेश इस समय क्या हो? जलोढ़ मिट्टी। क्या हो गया? तुमने पूछा बता उत्तर प्रदेश से कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि हम बताए थे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जलोढ़ मिट्टी बताए थे ना। ये क्या है? पंजाब से लेकर असम तक बृहत मैदान में कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो यानी पंजाब में जलोढ़ मिट्टी, हरियाणा में जलोढ़ मिट्टी, उत्तर प्रदेश से जलोढ़ मिट्टी, बिहार में जलोढ़ मिट्टी, असम में जलोढ़ मिट्टी, पश्चिम बंगाल में जलोढ़ मिट्टी बताए थे ना। हाँ, लेकिन पूछेगा बता पहाड़ी मिट्टी कहाँ पाए थे? तो जहाँ पहाड़ है, जहाँ तो पहाड़ तुम लोग देखा होगा, मैप अगर देखा होगा तुम लोग अच्छा से, तो तुम लोग देखा होगा यहाँ पर क्या है? यहाँ हिमालय पर्वत देखा है? हिमालय पर्वत ना है? है हिमालय पर्वतमाला है ना? तो हिमालय पर्वतमाला तो बहुत बहुत ऊँचा ऊँचा है, इतना ऊँचा ऊँचा है कि तुम लोग यहाँ से पैदल चल जाओ गिधौर, कितना है? 5 किलोमीटर है ना? तो उससे भी ज़्यादा ऊँचा ऊँचा है क्या पर्वत है क्या? यानी हिमालय पर्वत का मैक्सिमम ऊँचाई कितना है? तो 8848 मीटर, 8848 माउंट एवरेस्ट। तुमने सुना है माउंट एवरेस्ट का नाम? सुना है? विश्व का सबसे ऊँचा ऊँचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट। कौन है? तो माउंट एवरेस्ट कितना ऊँचा है? 8848 मीटर, यानी 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊँचा है। तो बता तो पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है? तो हिमालय इधर है ना? अरे हिमालय यहीं है ना? तो बता, तो पूछेगा तुम्हें बता कि जम्मू कश्मीर में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो वहाँ पर हिमालय पर्वत है ना, तो बोलेंगे पर्वतीय मिट्टी। हिमाचल प्रदेश में कौन सा मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। उत्तराखंड में भी पर्वत है, पर्वतीय मिट्टी। सिक्किम में भी पर्वत है, पर्वतीय मिट्टी। अरुणाचल प्रदेश में भी पर्वत है, पर्वतीय मिट्टी। समझ आ गया? तो अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी, सिक्किम में पर्वतीय मिट्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर्वत है। उत्तराखंड में पर्वतीय मिट्टी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर्वत है। हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर्वत है। जम्मू कश्मीर में पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर्वत है। लद्दाख में पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर्वत है। समझ आ गया? और जहाँ जहाँ पर्वत है वहाँ पर्वतीय मिट्टी। यहाँ जान दे, देखा आप यहाँ पर जो है ना, तुम लोग देखेगा मैप में देखेगा तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर, यहाँ पर है पश्चिमी घाट। क्या है? और पश्चिमी घाट में बहुत, पश्चिमी घाट में भी पर्वत है, इतना ऊँचा ना है लेकिन पश्चिमी घाट में भी क्या है? पर्वत है। क्या है? और ये घना जंगल है। क्या है? घना जंगल है। तो यहाँ जब पर्वत है तो यहाँ पे मिट्टी पाया जाएगा ना? तो पश्चिमी घाट में भी पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो ये वाला भाग में। कौन वाला भाग में? क्या बता रहे हैं? सबसे ज़्यादा पर्वतीय मिट्टी कौन कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी ये वाला भाग में ज़्यादा पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है, और पश्चिमी घाट में भी थोड़ा पाया जाता है। समझ आ गया तुम लोग को? पर्वतीय मिट्टी खत्म हो गया। अब बताओ, अब अगला मिट्टी कौन है? लवणीय या क्षारीय मिट्टी। लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी कहाँ बनेगा? तो लवणीय या क्षारीय मिट्टी उच्च क्षेत्र में बनेगा जहाँ पर जल निकासी की सुविधा ना है, जल निकासी की सुविधा ना है। और ये कहीं एक जगह नहीं पाया जाता, ये जो लवणीय क्षारीय मिट्टी है ना, ये कहीं एक जगह नहीं पाया जाता, ये थोड़ा थोड़ा हर जगह पाया जाता, क्योंकि जरूरी ना है कि पानी एक ही जगह टिका रहेगा। कोई हो सकता है बिहार में भी थोड़ा टिका हुआ हो, उत्तर प्रदेश में थोड़ा टिका हुआ कहीं कहीं। तो ये हर, जैसे हम बताए थे ना कि काली मिट्टी खाली इधर पाया जाता है, लाल मिट्टी खाली इधर पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी खाली यहाँ पाया जाता है, बताया था ना? और फिक्स फिक्स जगह था, लेकिन लवणीय क्षारीय मिट्टी जो है ये सब जो है हर जगह, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ पाया जाता है। समझा गया ना? तो लवणीय क्षारीय मिट्टी क्यों बनता है? तो जब जल निकासी का सुविधा नहीं रहेगा तो क्या क्या बन जाएगा? लवणीय या क्षारीय मिट्टी। क्योंकि तुम्हें पता है कि जल में क्या होता है? लवण। क्या होता है? समुद्र के पानी तुमने देखा है, नमक लगने पर नमकीन नहीं लगता है। तो जल में क्या होता है? नमक। क्या होता है? तो जब जल की निकासी सुविधा नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा? लवणीय या क्षारीय मिट्टी। समझ आ गया? देख, लवणीय क्षारीय मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? सिंपल बात है, राजस्थान में क्या है? बालू। क्या है? बालू। और बालू है तो, बालू है तो बालू में क्या होता है? लवण। क्या होता है? बालू में थोड़ा नमकीन लगता है, पता है ना तुम लोग को? पता है ना? देखना तो समुद्र के तुम्हें बालू देखना है, समुद्र में के बालू तुम्हें देखना, नमकीन लगता है। क्यों नमकीन लगता है? पानी नमकीन तो बालू भी नमकीन। तो सबसे ज़्यादा अथी लवणीय मिट्टी कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पर है? और कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ये वाला क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं कच्छ का रण। क्या बोलते हैं? तो कच्छ के रण में कौन सा मिट्टी है? तो लवणीय या क्षारीय मिट्टी। लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। समझ आ गया? ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में, दूसरा नंबर में गुजरात में। बस इसके बारे में इतने पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना हमको चार के बारे में। जलोढ़ बताए थे, एक लाल बताए थे, एक काली बताए थे, और एक बताए थे लेटेलाइट। क्या बताए थे? लेटेलाइट। चल तो लवणीय क्षारीय मिट्टी देख लिए ना, उसके बाद कौन सा मिट्टी है? उसके बाद पिटमय या दलदली मिट्टी, या उसको बोलते हैं जैविक मिट्टी। क्या बोलते हैं? यानी सिंपल बात है, उसको दलदली मिट्टी बोल रहे हैं, तो जहाँ दलदल रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा? दलदली मिट्टी।
तो पिटमा या जैविक मिट्टी जो है ना, ये भी जो है मतलब हर जगह मतलब समान रूप से ना है, कहीं कहीं मिलेगा, जहाँ जो दलदल वाला क्षेत्र रहेगा वहाँ मिल जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो पिटमा या जैविक मिट्टी में क्या होता है, पिटमा या जैविक मिट्टी में क्या होता है, दलदल है गिरेगा, सरगल जाएगा और उसमें मिट्टी में मिल जाएगा ना। तो पिटमय या जैविक या दलदली मिट्टी में ही खाली ह्यूमस होता है, बताया था ना कि भारत में जितना भी मिट्टी है समय क्या है, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव है। लेकिन ये दलदली मिट्टी जो है इसमें क्या है, वहाँ पर सरेगा ना, जब दलदल है तो सर्मिल करेगा, तो इसमें ह्यूमस पाया जाता है, समझ गया ना। सब मिट्टी में ह्यूमस नहीं पाया जाता, लेकिन ये पिटमय या जैविक या दलदली मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन पाया जाता है, समझ गया ना। समझ तो उनको आ गया, तो जितना बताया था वो लिखेंगे, समझ गया ना। तो मिट्टी हो जाएगा ख़त्म, सब मिट्टी बारे में हो गया अंदर, पहले ही लिख, उसके बाद लिखेंगे मिट्टी के बारे में पूरा लिखेंगे। चल देखें यहाँ पर, तो आप जितना बताए थे अब हम सब खरीद लिख देते हैं, समझा दिए था सामना। पहले बता रहे हैं जलोढ़ मिट्टी, क्या बोल रहे हैं, पहला क्या बताए थे, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी किसको कहेंगे, तो जल के द्वारा ओढ़ जाने वाला मिट्टी, यानी जल के द्वारा बिछा दिया था, क्या कहलाएगा जलोढ़ मिट्टी, क्या कहलाएगा, यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो नदी के द्वारा लाया गया मिट्टी, नदी ना लाएगा, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाएगा, लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाता है, क्या कहलाता है, जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। इसके बारे में क्या क्या बताए थे, इसके बारे में बताए थे कि भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है, भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है, भारत में सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी पाया जाता है, सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है, कौन मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का है, कितना परसेंट भाग पर, तो 43% भाग पर, बताए थे ना, कितना परसेंट भाग पर, 43% भाग पर, 43% भाग पर बताए थे। फिर बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, पाया जाता है, पाया, चलो पाया जाता है बाद में लिखेंगे, जो बताया था सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक उत्पादन वाला मिट्टी कौन, यानी सर्वाधिक उत्पादन, यानी सबसे ज़्यादा उर्वरक शक्ति किस मिट्टी में होता है, जलोढ़ मिट्टी में, क्या आता है, तो सर्वाधिक उत्पादन वाला मिट्टी कौन है, सर्वाधिक उत्पादन वाला मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी, कौन है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। फिर बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना, यहाँ डंड सर्वाधिक इसमें क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन कौन सा मिट्टी में होता है, जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी बताए थे कि तुम लोगों को पढ़ाए थे हम जब दोमट मिट्टी, क्या पढ़ाए थे, दोमट मिट्टी में बताए थे कि दोमट मिट्टी भी एक प्रकार का जलोढ़ मिट्टी पढ़ाए थे, यानी जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी एक प्रकार की दोमटे मिट्टी है, एक प्रकार का दोमट मिट्टी है, तुम लोग को बताया था दोमट मिट्टी में उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जलोढ़ मिट्टी में भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, दोमट मिट्टी है, बताए थे ना, बताए थे आप, तुम लोग बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी पाया कहाँ जाता है, पाया कहाँ जाता, यानी इसका स्थान कहाँ कहाँ है, तो बताए थे पहला क्या, पहला बताए थे पंजाब से लेके असम तक बृहत मैदान, बताए थे, तो पहला कहाँ हो गया, पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ, असम तक फैला हुआ बृहत, मतलब समझ रहा, बहुत बड़ा मैदान फैला हुआ बृहत मैदान में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, कौन सा मिट्टी पाई जाती है। फिर तुम लोगों को बताया था और कहाँ कहाँ, तो और बताए थे कहाँ पर, तो बताए थे गंगा नदी हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा गंगा, ब्रह्मपुत्रा गोदावरी अथी महानदी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, कृष्णा कावेरी के मुहाने समझ रहा है ना, जहाँ नदी गिर जाती है समुद्र में उसको बोलते हैं मुहाने, तो मुहाने पर कौन मिट्टी पाई जाती है, तो पाई जाती है कौन सा नदी अथी कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी, कौन सा पाई जाती है। फिर तो उनको बताया था कि नर्मदा एवं ताप्ती कहाँ बह रहा था, मध्य प्रदेश में बह रहा था और गुजरात में जाके खंबाज की खाड़ी में अपना जल गिला रहा था, भोती समझना पाए कि नर्मदा एवं ताप्ती की घाटी समझ रहा है ना, जहाँ से नदी बह रहा है ना, जिसके चारों तरफ जो क्षेत्र है वो जाएगा घाटी, क्या जाएगा घाटी, तो घाटी में समय आ रहा है तुम लोग को। और भी बहुत जगह पाया जाता है, इसे हो जाएगा क्या नर्मदा अथी तमिलनाडु में, कहाँ पाया जाएगा, तमिलनाडु में गोदावरी घाटी, यहाँ जाना तमिलनाडु में कावेरी की घाटी में,
समझ रहा है ना। तो बहुत सारा जगह लोग उतना नहीं, उतना तुम लोग को याद नहीं करना, जितना बताया था उतने। और कहाँ पाया जाता है तो बताया था समुंदर जहाँ हिलकोला मारता है वहाँ पाया जाता है, यानी केरल में जो है ना, केरल में सागर तट पर, यानी जहाँ जहाँ सागर है ना तो सागर के तट पर ज़्यादा। कहाँ? केरल में सागर तट पर, केरल में सागर तट पर, केरल में सागर तट पर। और जैसे यहाँ पे बोलेंगे कावेरी नदी की घाटी में, कहा तमिलनाडु में, गोदा अति आंध्र प्रदेश में, कहा गोदावरी नदी की घाटी में, इस सब में भी है। तो इतने लिए जगह काफ़ी हो गया, समझ आ गया ना। अब देखिए जो ये जलोढ़ जो मिट्टी है ये दो प्रकार का होता है, इसमें पहले देख ले उत्पादन किसका होता है, उत्पादन क्या होता है, इन जलोढ़ मिट्टी के, जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या होता है, जितना भी खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल समझ रहा है ना, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब क्या है, खाद्यान्न फसल क्या है। तो खाद्यान्न फसल का उत्पादन इसमें होता है, और इसमें क्या होता है तो तेलहन फसल का उत्पादन, तेलहन फसल समझ रहा है ना, तेलहन फसल समझ रहा है, तेल देने वाला फसल, जैसे सरसों हो गया उसी प्रकार हो गया। अरे गोटा सरसों क्यों हुआ, माने दो चार गधा, सूर्यमुखी हो गया, क्या हो गया सूर्यमुखी, क्या हो गया सूर्यमुखी हो गया, उसमें मूँगफली का तेल होता है, क्या होता है मूँगफली का तेल होता है। तो जितना भी तिलहन फसल है सब इसमें उत्पादन होता है। सब्जी का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तुमने देखा होगा सब्जी नहीं रहता है इस समय, सब्जी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे तुम्हें उधर जाएगा जब टाल क्षेत्र में जाएगा तो वह सब्जी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हें बढ़िया साइड जाएगा तो सब्जी का उत्पादन क्या होता है ज़्यादा होता है, क्या होता है मोकामा वोकामा में सब्जी, सब्जी का उत्पादन क्या होता है ज़्यादा, क्या होता है तो सब्जी का भी इसमें उत्पादन होता है, उसमें जूट का भी उत्पादन होता है, किसका होता है जूट का भी होता है, समझ आ गया तुम लोग को। अब देख सकते हैं कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, यहाँ ध्यान दे, ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का, जलोढ़ मिट्टी जो नया है यानी जो अभी जवान है, एक तो पुराना हो गया, तो जो जवान है यानी एक होता नया जलोढ़ मिट्टी, होता पुराना जलोढ़ मिट्टी, क्या होता है ये होता है नई जलोढ़ मिट्टी, क्या होता है नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। और एक होता है पुराना जलोढ़ मिट्टी, पुराना जलोढ़, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दे, नई जलोढ़ मिट्टी और पुराना जलोढ़ मिट्टी। अब जो नया जलोढ़ मिट्टी है यानी जो अभी जवाने हैं जो अभी, तो नई जलोढ़ मिट्टी जो है उसको बोलते हैं खादर, क्या बोलते हैं, जो नई जलोढ़ मिट्टी उसे क्या बोलते हैं खादर, क्या बोलते हैं खादर। और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है उसको बोलते हैं बांगर, क्या बोलते हैं बांगर। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं बांगर। अब तुम बोला कि मिट्टी और नया नया पुराना कैसे हो गया, तो मान लो कि यहाँ नदी गंगा नदी बह रही है, बढ़ रही है ना, अभी मान लो बाढ़ आया, क्या आया, तो एक मान लो कि 5-6 वर्ष में एक बार इतना विशाल बाढ़ आया कि मान लो नदी पानी एकदम पूरा इस तरफ फैल गया, 2 से 4 ओर फैल गया, तो जहाँ तक फैला हुआ क्या हो गया वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आ जाएगा। तो अभी अभी क्या है नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्या है नवीन जलोढ़ मिट्टी, लेकिन 3-4 साल से बाढ़ आ रहा है लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र में नहीं फैला है, बस इतने फैल रहा है। मान लो 3-4 साल से बाढ़ आ रहा है, एक बार बाढ़ आया तो पूरा बहुत लंबा तबाही मचा दिया, तो बहुत जितना जगह फैल गया वहाँ क्या नया मिट्टी आ गया, लेकिन जब 3-4 5-6 साल से जब बाढ़ आ रहा है ना तो ज़्यादा दूर पानी नहीं जा रहा है, बस इतने दूर जा रहा है, तो जहाँ जहाँ हर साल पानी जा रहा है वहाँ तो नया मिट्टी हो जाएगा ना, हो जाएगा। और जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया वहाँ क्या जाएगा पुराना मिट्टी हो जाएगा, तो जहाँ पानी हर साल पहुँच रहा है वो हो गया नया जलोढ़ मिट्टी, क्या हो गया नया जलोढ़, और जहाँ पानी हर साल नहीं पहुँच रहा है हो गया पुराना जलोढ़ मिट्टी, समझ तुम लोग का आया। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर, पुराना जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर, पुराना जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। और बिहार में, बिहार में जो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है ना उसको बोलते हैं दियारा, क्या बोलते हैं कहेगा दियारा किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान दे, लिख देते हैं यहाँ ध्यान दे दियारा, क्या बोल रहे हैं तो दियारा किसे कहते हैं, तो बिहार में पाए जाने वाली, बिहार में पाए जाने वाली बालू युक्त, बालू यानी बालू मिला हुआ, बालू मिला यानी बालू युक्त जलोढ़ मिट्टी को, बालू युक्त जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, मिट्टी को दियारा कहते हैं, क्या कहते हैं दियारा कहते हैं। तो समझ कहेगा दियारा किसे कहते हैं बता देगा, यानी बिहार में जलोढ़ मिट्टी जो पाया जाता है जैसे बालू मिला था उसको क्या बोलते हैं दियारा, क्या बोलते हैं। और दियारा में जो है ना किसका ज़्यादा उत्पादन होता है, जिसमें होता है मक्का का, किसका होता है मक्का का उत्पादन के लिए फेमस है, क्या है मक्का का उत्पादन के लिए। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में खत्म हो गया, अब बताएंगे लाल मिट्टी, जल्दी कर चल ध्यान दे, यहाँ पर 44% कर लेना, कितना कर लेना 43% 44% से कोई दिक्कत ना ले, 44% कर लेना। और एक चीज़ लिख लेना, क्या आप क्या बताए थे भारत की जितना भी मिट्टी है उसमें अभाव किसका है, तो अभाव हम बताए थे किसका अभाव है, तो बताए थे किसका नाइट्रोजन का, कैसे बताए थे यानी इस मिट्टी में अभाव किसका है नाइट्रोजन का हो जाएगा। फिर बताए थे ह्यूमस, क्या बताए थे ह्यूमस किसको बोले थे, तो जीव जंतु और पेड़ पौधा के सड़ा गला अवशेष को हम बोले थे ह्यूमस। और किसका अभाव है फॉस्फोरस का, किसका है तो भारत का जितना भी मिट्टी है इसमें सब इस ये तीनों चीज़ का क्या अभाव है, क्या है अभाव है, ठीक है ना, तो अभाव में ले देना ये तीनों। अब पढ़ते हैं लाल मिट्टी,
चल ध्यान दे। अब लाल मिट्टी क्या बोलेंगे? लाल मिट्टी दूसरा नंबर क्या है? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी बताया था ना कितना परसेंट भाग पर पाया जाता है, तो 19%। कितना? जितना अभी मिट्टी भारत में है उसको 100% बोलिए, उसमें उसका 19% भाग पर कौन पाया जाता है? लाल मिट्टी। कौन पाया जाता है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल होने का कारण क्या है? तो क्या बताए थे हम? लोहा के ऑक्साइड। लाल मिट्टी में लोहा के ऑक्साइड होता है, इसलिए लाल मिट्टी क्यों होता है? लाल क्या होता है? तो लाल होने का कारण क्या है? तो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति। लोहे के ऑक्साइड की, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल होता, समझ गया ना? फिर बताया था कि लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? तो लाल मिट्टी में जो है ना, लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है, लाल मिट्टी का निर्माण, तो लाल मिट्टी का निर्माण जो होता है ना, ये होता है किसके कारण? तो ये होता है लोहा और मैग्नीशियम। लोहा और ज़्यादा लोहा होता है, ज़्यादा क्या होता है तब ना लाल हो रहा है? लोहा के ऑक्साइड के कारण क्या हो रहा है? लाल क्या हो रहा है? तो लोहा और मैग्नीशियम, लोहा और बंदर, लोहा और मैग्नीशियम, लोहा और मैग्नीशियम के रवेदार खनिज, रवेदार मतलब भर भर करेगा, रवेदार खनिज के रूपांतरित, समझ गया? रूप बदल लिया, रूपांतरित रूप, रूपांतरित आग्नेय चट्टान से होता है। आग्नेय चट्टान से होता है। चट्टान बहुत प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान होता है, एक अपसादी चट्टान होता है। तो किसका ये जो निर्माण हुआ किससे हुआ था? आग्नेय चट्टान से। किससे हुआ? फिर तुमने बताया कि लाल मिट्टी जो है ना, लाल मिट्टी का निर्माण कहाँ पर हुआ होता है? तो बताए थे लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? दक्कन के पठार। क्या बताए थे? दक्कन के पठार ना बताए थे, दक्कन का पठार बोले। तो दक्कन का पठार कहाँ था? तो दक्कन का पठार था थोड़ा सा था कहाँ? झारखंड में छोटा नागपुर का जो पठार है ना, वो दक्कन का पठार है। किसका? दक्कन का। तो छोटा नागपुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद त्वरा तमिलनाडु हो गया, वहाँ का कौन सा मिट्टी है? लाल मिट्टी कौन सा है? लेकिन ये मतलब पहले लेते पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है तो बताए थे कहाँ पर? जैसे हो गया क्या? झारखंड। क्या हो गया? झारखंड में हो गया नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के तो झारखंड हो गया। उसी प्रकार बताए थे कहाँ पर? तो उड़ीसा हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर क्या बताया? तेलंगाना बताए थे। तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। इस समय कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो पाया जाता है कौन सा मिट्टी? तो अधिकांश लाल मिट्टी अधिकांश, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है लाल मिट्टी? तो क्या बताया? तमिलनाडु। क्या बताए थे? तुमने पूछा क्या बताया? लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो क्या बोल रहा है? तमिलनाडु राज्य में। कौन राज्य में? तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में। समझ आ गया तुम लोग को? इसमें अभाव किसका मतलब बताए थे ना कि जितना भी मिट्टी है सब में तीन चीज़ का अभाव है, एक नाइट्रोजन का, एक ह्यूमस का, एक फास्फोरस का, बताए थे ना। तो इसमें अभाव किसका है? इसमें अभाव है नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का अभाव है, फास्फोरस का अभाव है और ह्यूमस का अभाव है। ह्यूमस का और ये तीनों तो हैवे करता है अभाव। और क्या चीज़ का अभाव है? तो और है खनिज कण का अभाव और कार्बोनेट और चूना के अभाव हो। ये सब का क्या अभाव? क्या है यानी कमी है? क्या है? कमी है। तो लाल मिट्टी बारे में देख लिया ना? लाल मिट्टी में कोई दिक्कत? तो लाल मिट्टी बाद देखेंगे काला मिट्टी। क्या देखेंगे? इसको लिख, इसमें एक पॉइंट छूटा हुआ है तो वो लिख दो। हम क्या बताए थे? तुम लोग को बताया था कि लाल मिट्टी जब इसमें पानी मिल जाता है, क्या मिल जाता है? तो पीला जाता है, बताया था ना? यानी लाल मिट्टी को, लाल मिट्टी में क्या लिखना है? लाल मिट्टी में पानी मिलने पर, पानी बोले तो नमी मिलने पर ही क्या जाता है? पीला। क्या जाता है? नमी मिलने पर पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। इसमें उत्पादन किसका होता है? उत्पादन भी छूट गया। तो उत्पादन इसमें होता है सभी फसल। किसका होता है? सभी फसल का होता है, सभी फसल का। ऐसे बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं धान। क्या बोल सकते हैं? धान हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, गन्ना समझ रहे हैं? कतरिया ईख जिसको बोलते हैं, या मूँगफली हो गया, सब्जी हो गया, सबका उत्पादन इसमें होता है।
सब्जी हो गया, ये सबका उत्पादन इसमें होता है। चलिए ध्यान दे, अब पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? काली मिट्टी, काली काली मिट्टी, काली काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम, इसका लिखते हैं अन्य नाम क्या है? तो काली मिट्टी को बोलते हैं हम रेगुल मिट्टी। क्या बोलते हैं? बताए थे तुम लोग को, तो पढ़ेगा रेगुल मिट्टी किसे कहते हैं? बोलना है काली मिट्टी। क्या बोलना है? काली मिट्टी को ही बोलते हैं रेगुल मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? और क्या बोलते हैं? इसको कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी। और इसको लावा मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि लावा से बना है, तो बोलते हैं इसको लावा मिट्टी। क्या बोलते हैं? लावा मिट्टी, लावा मिट्टी। और रूस में भी इस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, उसको बोलते हैं चेर्नोजम मिट्टी। क्या बोलते हैं? चेर्नोजम मिट्टी, चेर्नोजम यानी चेर्नोजम मिट्टी भी किसका नाम है? तो काली मिट्टी का ही नाम है, काली मिट्टी का ही। बताए काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से। बताए थे तो काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से। बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से, टूटने फूटने से किसका निर्माण हुआ? काली मिट्टी का। फिर बताया काली मिट्टी, मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? काली मिट्टी का सर्वाधिक, काली मिट्टी का, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ बताए थे? बताए थे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फिर अगल बगल जो जो राज्य, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, नीचे कर्नाटक हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया, अगल बगल राज्य में भी इसका विस्तार है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसमें उत्पादन किसका होता है? तो इसमें उत्पादन होता है किसका? इसमें उत्पादन होता है कपास का। किसका होता है? बोले कपास का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। इसमें गन्ना का भी उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होता है? कपास का। किसका होता है? कपास का। काली मिट्टी का रंग काली क्यों होता है? काली मिट्टी का रंग, काली मिट्टी का रंग काली क्यों होता है? तो बताएं, बोलना क्या है? टाइट, बस तुम लोग को इतना याद रखो, ज़रा याद नहीं रखे, टाइटेनो मैग्नेटाइट के कारण, टाइटेनो मैग्नेटाइट के। ऐसे ही पूरा बोलेगा तो बोलेगा कि एल्युमिनियम के टाइटेनो मैग्नेटाइट में लोहा जीवाश्म तथा एल्युमिनियम के सिलिकेट मिलने के कारण इसका रंग काला होता है। उतना बड़ा कौन बोलेगा? खाली इतना याद रख, टाइटेनो मैग्नेटाइट मिलेगा, टिक लगा देना, समझ आ गया तुम लोग? टाइटेनो मैग्नेटाइट के कारण, इतना कोई दिक्कत है? इसमें मतलब कौन कौन बता दें, कौन फसल का उत्पादन होता है? कपास और गन्ना, कपास और गन्ना होता है, कपास और। इसमें प्रचुर मात्रा में कौन होता है? इसमें ज़्यादा मात्रा में कौन कौन पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन? इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है चूना। क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अब गंदा, ये सभी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में क्या होता है? यानी ज़्यादा मात्रा में होता है। अभाव किसका होता है? अभाव तो लोगों बताए थे कि सब मिट्टी में किसका अभाव है? तो किसका अभाव है? नाइट्रोजन का अभाव है। किसका अभाव है? नाइट्रोजन का अभाव है, ह्यूमस का अभाव है। ह्यूमस समझता है ना, पेड़ पौधा और जीव जंतु के सड़े गले अवशेष को ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते थे। ह्यूमस का अभाव है और फास्फोरस के अभाव है, फास्फोरस के अभाव है, बताए थे ना। और हम काली मिट्टी बताए थे कितना परसेंट भाग पाया जाता है? 18%। कितना परसेंट भाग में पाया जाता है? 18%। इसे काली मिट्टी बारे में इसे बता दिए थे ना, नहीं बताए थे तुम लोग को? तो काली मिट्टी बारे में और कुछ बताए थे? अब देख लेते हैं कौन सा मिट्टी, अब देख लेते हैं लेटेलाइट मिट्टी। क्या देखते हैं? लेटेलाइट मिट्टी। तो अगला देखते हैं चौथा नंबर, क्या बताए थे? लेटेलाइट, क्या बताए थे? लेटेलाइट मिट्टी, लेटेलाइट मिट्टी। तो लेटेलाइट मिट्टी क्या बताए थे इसका? लेटेलाइट मिट्टी बारे में बताए थे कि लेटर मतलब होता है ईटा। क्या होता है? यानी ये मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी ईटा की तरह कठोर हो जाएगा जब सूखेगा तब। अब बताए थे कि लेटेलाइट मिट्टी जो है ये कहाँ पर बनता है? तो जहाँ पर हुमस के वर्षा यानी ज़्यादा वर्षा, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा वर्षा ज़्यादा, तो उस क्षेत्र में ये मिट्टी कहाँ बना है? यह मिट्टी उस क्षेत्र में बनता है, उस क्षेत्र में बनता है, बनता है, बनता है जहाँ ज़्यादा वर्षा, ज़्यादा वर्षा एवं
ज़्यादा गर्मी होता है, ज़्यादा गर्मी होता है वहाँ कौन सा मिट्टी बनता है? लैटेलाइट मिट्टी। फिर बताते लैटेलाइट मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं निक्षारण। क्या बोलते हैं? बोलेगा निक्षारण विधि द्वारा कौन मिट्टी बनता है? निक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस। तो निक्षारण विधि द्वारा कौन मिट्टी बनता है? लैटेलाइट मिट्टी। लैटेलाइट फिर बताते हैं कि लैटेलाइट मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। कहाँ बताए थे? केरल में। तो सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक यानी लैटेलाइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? फिर बताते हैं इसमें उत्पादन किसका होता है? इसमें उत्पादन होता है चाय का, कॉफी का। इस सब का उत्पादन किसमें होता है? लैटेलाइट मिट्टी में। किसमें होता है? तो चाय का उत्पादन इसमें होता है, कॉफी पीता है ना, कॉफी का भी उत्पादन किसमें होता है? लैटेलाइट मिट्टी में। लैटेलाइट इसमें अभाव किसका होता है? तो अभाव वही नाइट्रोजन फास्फोरस। बताए थे सब मिट्टी में तीनों का अभाव है, बताए थे ना। तो अभाव किसका होता है? तो अभाव होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस। क्या बोल रहे हैं? फास्फोरस और ह्यूमस। और ह्यूमस से क्या होता है? अभाव। क्या होता है? अभाव होता है। कोई दिक्कत है? और यहाँ ध्यान दे, इसका रंग थोड़ा, इसका भी रंग होता है लाल। क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लेकिन थोड़ा लाल में थोड़ा, ये दोनों लाल मिट्टी और इसमें थोड़ा अंतर होता है लाल होने में। लेकिन इसका में क्या होता है? लाल। क्या होता है? लेकिन अगर ये मिट्टी अगर भींग गया, क्या हो गया? यानी इसका ये मिट्टी जो है गल गया, क्या हुआ? गल जाएगा, गल जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा काला। क्या होता है? यानी गलने पर, गरने पर ये होता है काला। क्या होता है? काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? और इसमें जो है लैटेलाइट मिट्टी में जो है ना लोहा के ऑक्साइड जो है ना मधुमक्खी के छत में जिस तरह नहीं रहता है, मधुमक्खी छत में किस तरह होता है? गुठा हुआ। उसी प्रकार इसमें जो है लोहा के ऑक्साइड लैटेलाइट मिट्टी में लोहा के ऑक्साइड क्या होता है? गुठा हुआ होता है। क्या होता है? यानी इसमें, इसमें यानी किसमें? लैटेलाइट मिट्टी में। लैटेलाइट, लैटेलाइट लैटेलाइट मिट्टी में, मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड, लोहे के, लोहे के ऑक्साइड मधुमक्खी के छत की तरह गुठा हुआ रहता है। लोहे के ऑक्साइड लैटेलाइट मिट्टी में, लोहे के ऑक्साइड मधुमक्खी, मधुमक्खी के, मधुमक्खी के छत की तरह, छत की तरह गुथा होता है। क्या होता है? गुथा होता है। और लैटेलाइट मिट्टी बारे में पूरा पढ़ लिए, और यहाँ काली मिट्टी बारे में पॉइंट और बताते हैं। काली मिट्टी जो है ना, ये काली मिट्टी जो है जल धारण करने की क्षमता अधिक होता है। काली मिट्टी पानी ज़्यादा सोखता है। क्या करता है? ज़्यादा सोखता है। नहीं बोला है तुम लोग का ऑप्शन देखिए, बताओ कि निम्नलिखित में किसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होता है? देखा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेलाइट मिट्टी। तो क्या बोलना है? काली मिट्टी। क्या बोलना है? तो काली मिट्टी में क्या बोल रहे हैं? काली मिट्टी में, काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता, जल धारण करने की, जल धारण करने की क्षमता अधिक होता है। क्षमता अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। और जब जब ये जल धारण कर लेता है अधिक, और जब ये सूखेगा तो इसमें हो जाएगा क्या? कुंवर जाएगा, दरार कुंवर जाएगा। क्या कुंवर जाएगा? दरार। यानी यह सूखने पर, या सूखने, सूखने पर बराबर दरार कुंवर जाता है, दरार कुंवर जाता है, दरार, दरार हो जाता है, दरार हो जाता है। यानी इस, तब इसको क्या करता है? जुताई में, जुताई करने में इसको क्या होता है? आराम होता है। क्या पहले फट गया, जरी गोर चलाएगा तो और फट जाएगा। यानी क्या होता है? इसको बोलते हैं स्वतः जुताई हुई मिट्टी। यानी यह मिट्टी जो है ना अपने फट गया सगरों, सगरों क्या हुआ? जब सूखेगा तो अपने सगरों फट गया। जब सगरों अपने फट गया तो उसको बोलते हैं स्वतः क्या हुआ? जुता गया। क्या हुआ? यानी अपने आप जुता गया, अपने आप। यानी स्वतः जुताई हुई मिट्टी, स्वतः जुताई हुई यानी अपने आप जुताई हुई मिट्टी, यानी स्वतः जुताई हुई मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को, काली मिट्टी को। समझ आ गया? तो काली मिट्टी, लैटेलाइट मिट्टी खत्म। और चार मिट्टी और बचा है, उसके बारे में अगला बताएंगे, फिर बताएंगे मिट्टी का संरक्षण समाप्त हो जाएगा। जल्दी कर, चलिए ध्यान दे। चार मिट्टी और बचा जो उतना इंपॉर्टेंट ना है, चारों पढ़ लिया ना, एक ठो जलोर पढ़ लिए, एक ठो लाल पढ़ लिए, एक ठो काली पढ़ लिए, लैटेलाइट पढ़ लिए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी जो चार को बचा है उसके बारे में खाली नाम ही पता रहेगा काफ़ी है, और कहाँ पाया जाता है। यहाँ ध्यान दे, एक क्या बताया बचा है? एक बचा है शुष्क, क्या बोले थे? शुष्क या मरुस्थलीय, मलु स्थलीय या रेतीली मिट्टी। क्या बोले थे? रेतीली मिट्टी, यही बोले थे। शुष्क मतलब सूखा हुआ जगह में मरुस्थल पाया जाता है, ऐसे बोलते रेतीली, यानी बालू का रेत बिछा होता है तो रेतीली मिट्टी। दूसरा कौन बचा है? दूसरा बचा है उसको बोले थे हम क्या? पर्वतीय, क्या बोले थे? पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी, यही बोले थे। पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी, यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाए उसको बोलेंगे पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी। पर्वतीय या रे बंदर है जानवर है कि? अगला जो था मिट्टी उसको क्या बोले थे? उसको बोलते हैं लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय या
लवणीय या क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। और अगला जो मिट्टी था उसको बोले थे क्या हम, पिटमय या जैविक या दलदलीय, यही बोले थे। यहाँ पर दे देना है कितना नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 नंबर, ये हो जाएगा 6 नंबर, ये हो जाएगा 7 नंबर और ये हो जाएगा 8 नंबर। तो अगला जो मिट्टी था उसको बोले थे पिटमय, क्या बोले थे, पिटमय या जैविक, या जैविक या दलदली मिट्टी, यानी दलदली क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाए उसको क्या बोलेंगे, दलदली मिट्टी, ठीक है ना। अगला ध्यान देते, शुष्क या मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, बताया थे कि भारत के पश्चिम क्षेत्र में, यानी कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान में, कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में मरुस्थल है, तो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि मरुस्थल वही है तो वहीं पाया जाएगा, वहीं पाया जाएगा, तो पश्चिमी राजस्थान में। और कहाँ पाया था, तो गुजरात में भी थोड़ा सा, गुजरात भी सटा हुआ है ना, तो गुजरात का उत्तर वाला भाग और पंजाब भी सटा हुआ है, पंजाब का दक्षिण वाला भाग, हरियाणा भी सटा हुआ है तो हरियाणा का दक्षिण वाला भाग, और मध्य प्रदेश भी सटा है तो मध्य प्रदेश के पश्चिम वाला भाग में क्या पाया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं, तो कौन सी पाया जाता है, तो पाया जाता है मतलब शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। अगर यहाँ पर ध्यान दे, ये भी उपजाऊ होता है, अगर यहाँ पर सिंचाई का सुविधा उपलब्ध हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उपजाऊ, क्या हो जाएगा, यानी इसमें सिंचाई का सुविधा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उपजाऊ। पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें प्रचुर मात्रा में इसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में इसमें किसमें होता है, इसे प्रचुर मात्रा में समझ रहा है, इसमें ज़्यादा कौन सी पाया जाता है, इसमें ज़्यादा पाया जाता है क्या, घुलित लवण, घुलित यानी वैसा लवण जो पानी में घुल जाता है, तो उसको बोलते हैं घुलित लवण, क्या बोलते हैं, घुलित लवण। तथा इसमें नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन अभी समय नहीं पाया जा रहा था, बताए थे ना जितना मिट्टी बताया था उसमें नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन नहीं बताए थे ना, लेकिन इससे नाइट्रोजन भी प्रचुर मात्रा में होता है, नाइट्रोजन भी प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन कमी किसका होता है, कमी होता है वही कौन बच गया, एक तो बच गया ह्यूमस, क्यों बच गया ह्यूमस, और एक तो क्या बच गया फास्फोरस, क्या बच गया, ये सब क्या होता है, सब कमी होता है, क्या होता है, अगर देखिए ये मिट्टी में अगर हम क्या करें सिंचाई का सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, क्या जगह उपजाऊ, क्या हो जाएगा, यानी ये मिट्टी में ये जो मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, इसको सिंचाई का सुविधा उपलब्ध करा देने पर, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा देने पर क्या होता है, इससे फसल का उत्पादन क्या होता है, होने लगता है, यानी इसको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा देने पर इसमें फसल का उत्पादन होता है, इससे फसल का उत्पादन अच्छी तरह से होता है, इससे फसल का उत्पादन, यानी इससे सिंचाई नहीं रहेगा तो होगा, अब अर्थव्यवस्था में जल्दी पानी होता है नहीं होता है, लेकिन सिंचाई कर देंगे तो इसमें फसल का उत्पादन होगा, फसल का उत्पादन अच्छी तरह से होता है। इसलिए तुम लोग पढ़ेगा कि भारत का सबसे लंबा नहर है इंदिरा गांधी नहर, कौन सा नहर है, इंदिरा गांधी नहर जो ब्यास नदी और सतलज नदी से को काट कर कहाँ लाया गया, राजस्थान में, कहाँ लाया गया है, यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ ब्यास नदी क्या है और सतलज नदी, तो यहीं से ब्यास नदी के पास को काट कर यहाँ पर क्या लाया गया, अगर नहर लाया गया जिसका नाम है क्या, इंदिरा गांधी नहर, क्या है, और इंदिरा गांधी नहर को कहाँ लाया गया है, तो इंदिरा गांधी नहर को लाया गया राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर थोड़ा पटवन हो जाता है, सिंचाई हो जाता है। तो क्या बता रहे हैं कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा देंगे तो एक मिट्टी में क्या फसल का उत्पादन होने लगेगा, तो यहाँ पर कौन सा नहर है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सा नहर बनाया गया, तो इंदिरा गांधी नहर। और भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा है, तो यही है इंदिरा गांधी नहर, समझ आ गया ना। अब देखते हैं पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, तो पहाड़ी क्षेत्र में, ये कहाँ पाया जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी। तुम कहीं बता रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टी को क्या बोलते हैं, पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी क्षेत्र में पाया जा रहा है तो वहाँ पर वनस्पति की कमी है, वनस्पति बोले तो पेड़ पौधा कमी वहाँ पर है, कमी ना है, जब पेड़ पौधा कमी ना हो तो वहाँ जीव जंतु भी कमी ना होगा, चाहे जहाँ जंगल रहेगा वहीं रहेगा, तो बताते हैं यहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधा सलेगा गलेगा तो मिट्टी मिल जाएगा, जीव जंतु सलेगा गलेगा तो मिट्टी मिल जाएगा, यानी यहाँ सलता जाता है तो क्या बनता है, ह्यूमस, क्या बनता है, यानी इसमें ह्यूमस ज़्यादा है कि कम है, तो ह्यूमस इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, क्या होता है, इसमें ह्यूमस, क्या बोल रहे हैं, ह्यूमस ज़्यादा होता है। अभाव किसका होता है, तो अभाव होता है नाइट्रोजन का, किसका होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का, सब मिट्टी में तो तीनों का अभाव था, लेकिन इसमें क्या था, नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव है, लेकिन ह्यूमस इसमें ज़्यादा है, फास्फोरस का
अभाव है, क्या है? अभाव है। फ्री कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पर पर्वत है, जैसे हिमालय क्षेत्र में, कहाँ पर? हिमालय ने बताए थे। हिमालय क्या है? भारत के ऊपर में जो क्या हिमालय क्षेत्र है, तो हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में कौन आता है? आता है जम्मू कश्मीर। कौन आता है? जम्मू कश्मीर हो गया है, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया है, हिमाचल प्रदेश हो गया है, फिर हो गया है क्या? उत्तराखंड हो गया है। क्या हो गया है? उत्तराखंड हो गया है, फिर सिक्किम हो गया है। इस समय क्या हिमालय का विस्तार है? सिक्किम हो गया है, फिर है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इस समय क्या हिमालय का विस्तार, हिमालय का, तो इसमें कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? हिमालय मिट्टी, हिमालय। और फिर भारत देखिए, यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा मिट्टी है? पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी। और यहाँ पर भी पर्वत है, जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री बोलते हैं। और यहाँ पर भी पर्वत है इसको, लेकिन इतना ऊंचा ना है जितना ये है। यहाँ भी पर्वत है, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं? यह है पूर्व में तो पूर्वी घाट, पश्चिम में है तो पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर भी क्या है? पर्वतीय मृदा या पहाड़ी मृदा है। तो और ये कहाँ पर है? ये और कहाँ पर है? तो यहाँ पश्चिमी घाट में, कहाँ पर है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। और इसका विस्तार कहाँ है? और है पूर्वी घाट में, कहाँ पर है? पूर्वी घाट में इसका विस्तार है। अब बताओ, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर इस तरह तो प्लेन नहीं रहेगा, मैदान के तरह प्लेन होगा। तो वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती किया है, तो उसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती। तुम लोग बताए थे ना, यानी मान लो क्या है, पहाड़ है, क्या है? तो यहाँ पर इस तरह करके देगा अति कर, फिर इस तरह करके सीढ़ी ऐसा बना देगा। तो देखो यहाँ प्लेन हो गया ना, यहाँ खेती हो जाएगा, यहाँ प्लेन हो गया, यहाँ खेती हो जाएगा, यहाँ प्लेन हो गया, यहाँ खेती हो जाएगा। तो पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह खेती होता है? सीढ़ी नुमा खेती। कैसा होता है? सीढ़ी नुमा खेती कैसा होता है? तो बोलेगा तुम लोग को बता, किस पहाड़ी क्षेत्र में कैसा खेती होता है? सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा खेती। और बोलेगा सीढ़ी नुमा खेती को हम सोपानी कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोपानी कृषि, सोपानी कृषि। पूछा भारत में सर्वाधिक सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में। कहाँ होता है? या भारत में सर्वाधिक सोपानी कृषि कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में। समझ आ गया तुम लोग को? तो ये हो गया क्या? ये हो गया पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी, पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी। अब यहाँ ध्यान दे, इसमें पर्वतीय पहाड़ी मिट्टी में ज़्यादा मसाला का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? इसमें ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? मसाला का, मसाला का। जैसे तुम लोग को मसाला हो गया, जितना भी मसाला है सब कहाँ आता है? केरल से आता है, क्योंकि केरल में ये जो है पर्वतीय पहाड़ी मिट्टी ज़्यादा है। अब यहाँ लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी को दूसरा नाम, इसका अन्य नाम इसका तीन है। अन्य नाम तो समझ रहे हैं, दूसरा इसी को बोलते हैं लेह मिट्टी। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं उसर मिट्टी। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं बंजर मिट्टी। क्या बोलते हैं? तो लेह, उसर और बंजर मिट्टी किसको कहते हैं? कहते हैं तो लवणीय या क्षारीय मिट्टी को। लवणीय या क्षारीय, ये कहाँ पाया जाएगा? जहाँ समुद्र के जल के पहुँच जाएगा वहाँ पर क्या, कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय। ये समुद्र के जल में क्या होता है? लवण होता है। यानी कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है, देखिए यहाँ पर ये पाया जाता है ज़्यादा कहाँ? तो राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है ना, तो राजस्थान में पानी सूख गया तो वहाँ लवणीय मिट्टी बची। तो राजस्थान में और गुजरात में, राजस्थान में और गुजरात में, कच्छ के रण में, गुजरात में कच्छ के रण में क्या पाया जाता है? लवणीय या क्षारीय मिट्टी। और यहाँ ध्यान दें, किसके लिए उत्पादन होता है? तो यहाँ पर होता है लवणीय क्षारीय मिट्टी, होता है नारियल का पेड़। क्या होता है? यानी इसमें उत्पादन से ज़्यादा किसका होता है? तुम लोग देखा होगा फिल्म में, देखता है यार, बीच होता है, बीच गोवा में जहाँ बीच होता है, जहाँ सब नहाने जाता है, तो वहाँ को पेड़ मिले चाहे ना मिले, नारियल का पेड़ मिलता है ना? ना मिलता है नारियल का पेड़। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ का मिट्टी लवणीय है, और उसमें लवणीय पेड़ में ज़्यादा कौन सा, लवणीय मिट्टी में ज़्यादा कौन सा पेड़ का उत्पादन होता है? तो नारियल का। किसका होता है? इसमें उत्पादन कौन सा होता है? तो नारियल का पेड़। और ये मिट्टी जो है हर जगह समान रूप से नहीं पाया जाता है, ये कहीं छिटपुट मतलब पाया जाता है, हर जगह समान रूप से नहीं पाया जाता है। समझ रहा है? जहाँ लवणीय रहेगा वहाँ पाया जाएगा। अब पिटमय या जैविक मिट्टी, पिटमय या ये कहाँ पाया जाएगा? जहाँ दलदली रहेगा। तो जरूरी नहीं कि दलदली कहीं एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दलदली, ऐसा नहीं है। जहाँ दलदली रहेगा, छिटपुट जगह में, छिटपुट में समझ रहा है, थोड़ा कहीं पाया जाएगा। तो पिटमय या जैविक मिट्टी, आप बता, जहाँ दलदली रहेगा वहाँ पर इस जीव जंतु सरेगा तो क्या बन जाएगा? ह्यूमस। क्या बन जाएगा? यानी इसमें ह्यूमस रहता है, इसमें क्या रहता है? ह्यूमस का मात्रा प्रचुर रहता है। ह्यूमस का मात्रा क्या होता है? ह्यूमस का मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, होता है। लेकिन इसमें अभाव किसका होता है? अभाव होता है वही नाइट्रोजन और फास्फोरस का। क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी होता है, कमी होता है। समझ आ गया तुम लोग को? झलक लिखी। अब थोड़ा पढ़ाएंगे हम क्या, मिट्टी का कटाव और मृदा का संरक्षण, चैप्टर हो जाएगा खल्लास। चलिए ध्यान दे, अब रहते हैं मिट्टी,
मिट्टी का कटाव कितना तरह का होता है, ठीक है ना। मिट्टी का कटाव, मिट्टी कट नहीं जाता है, मिट्टी का कटाव के प्रकार, के प्रकार। तो पहला जो मिट्टी कटाव होता है उसको बोलते हैं परतदार क्षरण। क्या बोलते हैं? परतदार क्षरण। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं खुरदरा क्षरण। क्या बोलते हैं? खुरदरा क्षरण। अभी सबके बताएंगे खुरदरा क्षरण। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अवनालिका क्षरण। क्या बोलते हैं? अवनालिका क्षरण। चौथा जो होता है उसको बोलते हैं अवमूल्यन क्षरण। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन क्षरण। और अगला जो होता है वो नदी के द्वारा भी होता है, तो नदी घाट, नदी तट, तट या बेसिनों में क्षरण, बेसिनों के द्वारा क्षरण, के द्वारा क्षरण। और अगला जो होता है उसको बोलते हैं सागर, सागर तटों द्वारा क्षरण, सागर तटों द्वारा क्षरण। आप समझते हैं कि परतदार क्षरण किसे कहते हैं। मान लो तुम्हारा क्या है, जमीन है, क्या है तुम्हारा, जमीन है। तो जमीन तुम्हारा क्या है, थोड़ा ढाल है, मतलब पूरा समतल ना, ऐसा समतल ना है, ठीक है ना। तुम्हारा जमीन क्या है, एक तरफ ऊंचा है, एक तरफ क्या है, नीचा है, थोड़ा ढाल है, क्या है। तो जब हुमस के बारिश होगा ना तो ऊपरी परत क्या हो जाएगा, उड़ के चल जाएगा, बह के चल जाएगा। मान लो तुम्हारा खेत है तो तुम्हारा खेत से बह के चल जाएगा दूसरा खेत में चल जाएगा, ना चल जाएगा। ये मान लो चौबे का खेत है, चौबे के खेत से बह के किसमें चल जाएगा, मिश्रा खेत में चल जाएगा, ना चल गया। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो ऊपरी परत उड़ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परतदार क्षरण। क्या बोलते हैं? तो ये किस पर होता है, इसमें होता है कम ढाल वाले भूमि पर, कम ढाल वाले भूमि पर, वाले भूमि पर जो अधिक बारिश के कारण ऊपरी परत का उड़ जाना, क्या कहलाता है, परतदार क्षरण। क्या कहलाता है? भूमि पर अधिक बारिश के कारण, अधिक बारिश के कारण, अधिक बारिश के कारण, अधिक बारिश के कारण, अधिक बारिश के कारण ऊपरी परत, ऊपरी परत का बह जाना, ऊपरी परत का बह जाना क्या कहलाता है, बह जाना क्या कहलाता है, परतदार क्षरण। क्या कहलाता है? अब मान लो तुम्हारा ये भूमि था, इससे परतदार क्षरण हो गया, ऊपरी ऊपरा ऊपरी क्या था, ऊपर वाला जो था सब बह गया, ऊपर लबा गया ना, ऊपरी परत बह गया ना, अब ऊपर परत लबा गया। और फिर ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, जगह जगह गड्ढा हो जाएगा। तुम लोग को देखता है आंगन उगन होगा तो बारिश होता है ना, पहले पहले ऊपर वाला चमड़ी उड़ जाता है, ऊपर वाला परत उड़ जाता है, उसके फिर ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, गड्ढा गड्ढा हो जाता है, हर जगह ना हो जाता है, इतना तक गड्ढा गड्ढा ना हो जाता है, हर जगह क्या गड्ढा गड्ढा हो जाएगा। उसको बोलेंगे खुरदरा, यानी खुदरा हो जाएगा, क्या जाएगा, प्लेन नहीं रहेगा, क्या जाएगा, खुदरा, क्या जाएगा, जहाँ बारिश गिरेगा, हम कैसे से गिरेगा वहाँ क्या जाएगा, खुदरा क्या जाता है। तो क्या जाता है, खुदरा क्षरण, समझ गया ना। खुदरा क्षरण क्या होता है, परतदार क्षरण के बाद कौन सा क्षरण होता है, परतदार क्षरण के बाद कौन सा क्षरण होता है, खुरदरा क्षरण, यानी जगह जगह छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है, क्या जाता है। तो परतदार क्षरण, परतदार क्षरण के बाद, परतदार क्षरण के बाद क्या होता है, खुरदरा क्षरण, क्या होता है, खुरदरा क्षरण होता है, खुरदरा क्षरण। ऐसे क्या होता है, खुदरा हो जाता है, यानी जगह जगह गड्ढा हो जाता है। अब बताया अब नालिका क्षरण क्या होता है, तुमने देखा हो कहीं नदी उदी में, देखा हो कहीं कहीं नदी उदी में तुम लोग गया हो, तो बहुत जब दिन भर बारिश होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो क्या होता है, जब पहले तो खुरदरा क्षरण होता है, उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो देखना बड़ा बड़ा नाला ऐसा बह जाएगा, पूरा मट्टी बह जाता है, और बहुत बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है, देखा है तुम लोग, बारिश का मौसम आ रहा है ना, तो देखना कहीं कहीं बारिश होगा तो इतना बारिश होगा, इतना बारिश होगा कि पहले तो ये होगा, फिर ये होगा, और लास्ट में क्या होगा, वहाँ का मटिए एकदम काट के नाला बना देगा, बना देता है, उसको बोलते हैं अब नालिका क्षरण। क्या बोलते हैं? तो जब क्या हो, जब वर्षा के द्वारा मिट्टी के कटाव होकर नाला बन जाए, क्या बन जाए, होकर नाला जैसा आकार बन जाए, नाला जैसा आकार बन जाए उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अब नालिका क्षरण बन जाए, उसे क्या बोलते हैं, अब नालिका क्षरण। अब आता है अब मूल्यन क्षरण, तो यहाँ क्या था, कम ढाल, यहाँ क्या था, अब मान तुम्हारा खेत समतले है, ढाल ना है, क्या है, समतले है, क्या है, समतले है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होगा, तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, जब बहुत जगह लगातार बारिश हो रहा है तो होता, तो क्या होगा, मान लो तुम्हारा ऊपर में जो पोषक तत्व था, पोषक तत्व ऊपर में रहता है, अंदर में रहता है कि ऊपर में, तो पोषक तत्व जो मिट्टी में क्या होता है, ऊपर क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, ढाल ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और कहीं छेद छूट गया, मान लो तुम्हारा आरी होता है ना, तो छेद छूट गया तो पानी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जब वो पानी बहेगा तो ऊपर में जितना पोषक तत्व था वो भी क्या होगा, बह जाएगा, और थोड़ा मोड़ा मिट्टी भी बह जाएगा, तो इसको बोलते हैं अवमूल्यन क्षरण। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन क्षरण। तो इसमें क्या होता है, इसमें पोषक तत्व बह जाता है, पोषक तत्व क्या होता है,
पोषक तत्व क्या जाता है, बह जाता है। जब पोषक तत्व बह जाएगा तो मिट्टी की उर्वरता क्या जाएगा, घट जाएगा, क्या जाएगा। अब नदी तट या बेसिन के द्वारा क्षरण, तुमने देखा होगा ना कि कोनो नदी तुमने देखा होगा कितना कम चौड़ा है, और धीरे धीरे का साल के बाद फिर चौड़ा हो रहा है, इधर चौड़ा हो रहा है, धीरे धीरे काट रहा है मिट्टी दोनों तरफ काट रहा है ना, धीरे धीरे मिट्टी काटते काटते क्या जाता है, चौड़ा क्या जाता है। तुमने सुना होगा कोई दादा होता तुम्हारा बोलता हो कि यहाँ पर हमारे पहले खेत ले, जहाँ नदी वहाँ पर वहाँ क्या है खेत ले, अभी कौन सी नदी बन गई, कैसे नदी बन गई, क्योंकि नदी क्या कहता जो जो नदी क्या कहता जो अगल बगल में सब खेत था उसको क्या काट के लेके अपने साथ क्या बह गया, क्या हो गया। तो नदी के द्वारा मिट्टी काट के बह जाना क्या कहलाता है, नदी तट या बेसिनों के द्वारा क्षरण, समझ आ गया ना। यानी नदी के द्वारा मिट्टी काट के बह जाना, नदी के द्वारा मिट्टी काट के देखा है तुम लोग कि नहीं बहते हुए, नहीं नदी किनारे जाना, तो नदी किनारे जब बाढ़ जाएगा तो धसना गिरेगा बाकी बह जाएगा, फिर धसना गिरेगा फिर बह जाएगा, बहता है ना। तो नदी के द्वारा मिट्टी का कटना क्या कहलाता है। अब आता है समुंदर, जहाँ से सागर है क्या है, समुंदर है क्या है, वहाँ समुंदर में क्या आता है, लहर आता है, तो बार बार लहर मारेगा, आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, तो बार बार लहर मारेगा और मारते मारते जो वहाँ का मिट्टी क्या कमजोर हो जाएगा, अपने साथ क्या क्या करेगा, फिर लेके अंदर चल जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सागर तटों के द्वारा क्षरण, समझ गए तुम लोग। अब देखते हैं कि मिट्टी का संरक्षण किसे कहते हैं, मिट्टी का संरक्षण क्या देखते हैं, मिट्टी का संरक्षण यानी मिट्टी को ही सबसे बचाना, यानी मिट्टी के कटाव से बचा लेना और मिट्टी का निम्नीकरण कैसे बोले थे कि उसका जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है, उसमें कमी हो जाना, क्या कहता है मिट्टी का निम्नीकरण, क्या कहता है मिट्टी का निम्नी, तो मिट्टी के कटाव को रोकना तथा भूमि निम्नीकरण को बचाना क्या कहलाता है, मिट्टी का संरक्षण क्या कहलाता है, मिट्टी का, तो मिट्टी के कटाव को बचाना है, मिट्टी कट जाएगा तो बेकार हो जाएगा, तो मिट्टी का कटाव को रोकना तथा भूमि निम्नीकरण द्वारा मिट्टी की उर्वरता में समय रहा है, उपज की क्षमता तो मिट्टी की उर्वरता में कमी होने से बचाना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण क्या कहलाता है कमी होने से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी मिट्टी कटे ना, क्या उपाय करें कि मिट्टी का जो क्वालिटी है वो बना रहे, क्वालिटी उसका घटे ना, तो उसको बचाने के उपाय क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहलाता है। अब मृदा संरक्षण के कुछ उपाय देख लेते हैं, मृदा संरक्षण के उपाय पूछेगा बता मृदा संरक्षण का उपाय क्या है, तो सिंपल बात है कि मिट्टी बहेगा कब, जब उसको कोई पकड़ के नहीं रखेगा तब ही बहेगा। तो क्या करते हैं हम, जहाँ मिट्टी खाली वहाँ लगा देते हैं पेड़ पौधा, क्या लगा देते हैं, तो पेड़ पौधा के जड़ क्या करता है मिट्टी को पकड़ लेता है। तो क्या करेंगे, तो मृदा संरक्षण का पहला उपाय क्या है कि पेड़ पौधा यानी खाली स्थान में पेड़ पौधा लगा कर जब पेड़ पौधा लगा देंगे तो वहाँ का मिट्टी को जड़ उसे पकड़ लेगा, बहेगा नहीं बहेगा। दूसरा उपाय क्या है कि जंगल को कटाई नहीं करो, ऐसा नहीं कि जंगल को काट दिए और उसको दिए खाली जमीन को कर दिए, जब जंगल काट देंगे तो क्या होगा, वहाँ की मिट्टी बह जाएगा ना, फिर जंगल क्या कहता है, जंगल के द्वारा क्या कहता है मिट्टी को पकड़ के रखता है ना, तो जंगल की कटाई को कम करके हम मिट्टी को संरक्षण कर सकते हैं, जंगल की कटाई को कम कर। तीसरा और उपाय क्या है मिट्टी को रोकने के उपाय, तो जो मिट्टी में उसका क्वालिटी घट गया, पहले ज़्यादा फसल उत्पादन हो जाता था, अब कम फसल उत्पादन हो रहा है, तो उसका क्वालिटी को पूरा कर दे, यानी उसमें क्या कर, उसमें पोषक तत्व को डाल, खाद को डाल, तो क्या होगा मिट्टी क्या होगा, संरक्षण क्या होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि खेतों में क्या डालते हैं, गोबर डाल देते हैं, डालते हैं ना, हुरा वाला डालते हैं ना, तो क्या करेंगे, तीसरा उपाय क्या है, मिट्टी में पोषक तत्व तथा खाद पदार्थ डालकर क्या कर सकते हैं, संरक्षण क्या कर सकते हैं, मिट्टी का संरक्षण। चौथा उपाय क्या है, तो जहाँ पर मान लो कोई भूमि है वहाँ पर खाली पानी टिकल है तो पानी को हटा दो, यानी जल जमाव को दूर कर देंगे जहाँ जल जमा है उसको दूर कर देंगे, तो मिट्टी क्या है, संरक्षण क्या जाएगा, जल जमाव को दूर करके। और उपाय क्या है मिश्रित कृषि करके समझ आ रहा है। कि मान लो कि ऐसा नहीं कि खाली हम चावल उपजा रहे तो खाली चावल है उस पर लगाएंगे, ऐसा नहीं, कभी चावल लगा दे, कभी गेहूं लगा दे, कभी तेलहन फसल लगा दे, कभी दलहन फसल लगा दे, सर तुम लोग ना, तुम लोग को मान लो खाने देगा खाली चावल भी खाने देगा, तो तुम लोग को मन लगेगा, शरीर का विकास होगा,
कोनो दिन तुम्हें चावल मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, दही मिल रहा है, दूध मिल रहा है, मांस मिल रहा है, तो शहर का विकास होगा। उसी प्रकार क्या बोल रहा है कि यहाँ फसल यानी खेती में, खेत में तरह तरह की फसल लगाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी का विकास होगा। मिट्टी क्या होगा यानी मिट्टी का क्या होगा, संरक्षण होगा। क्या होगा, क्या होगा, मिट्टी का संरक्षण। तो क्या बोल रहे हैं, मिश्रित कृषि करके, मिश्रित कृषि या उसको बोलते हैं फसल चक्रण। क्या बोलते हैं, फसल चक्रण, यानी फसल को बदल बदल के चक्र की तरह बदल बदल के लगाना है, फसल चक्रण अपना कर, फसल चक्रण अपना कर, समझ गए तुम लोग। अगला उपाय क्या है, अगला उपाय है स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा दे। स्थानांतरित कृषि पर क्या कर, जो आदिवासी लोग होता है ना जंगल में रहते हैं, कहाँ रहता है, तो लोग क्या करेगा, आज यहाँ पर क्या करेगा, जंगल उंगल काट देगा, वहाँ पर खेती कर लिया, फिर उसको छोड़ के चल जाएगा दूसरा जगह, फिर वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर उसको भी काट दिया, जंगल को काट दिया, वहाँ पर भी कृषि कर लिया, फिर उसको छोड़ के चल जाएगा तीसरा जगह। तो इस प्रकार क्या होता है, जंगल का नाश होता है कि ना, इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। क्या बोलते हैं, तो अगला कारण क्या लिखेंगे, अगला कारण लिखेंगे, कितना पाँचवा कारण हो गया ना, अगला कारण लिखेंगे स्थानांतरित, क्या लिखेंगे, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर, स्थानांतरित कृषि पर, स्थानांतरित कृषि जो होता है उसको बोलते हैं झूम कृषि। क्या बोलते हैं, आज यहाँ झूमा, कल वहाँ झूमेगा, परसों वहाँ झूमेगा, उसको बोलते हैं झूम कृषि। क्या बोलते हैं, तो स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर हम क्या करते हैं, मिट्टी को संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी को संरक्षण। और कैसे संरक्षण करेंगे, जितना भी उपाय सब लिख दे, और संरक्षण करने के बाद क्या है, तो जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, वहाँ पर हम सिंचाई का, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दें, यानी वहाँ पर पटवन की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ पर भी क्या होगा, फसल उत्पादन होगा ना, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराकर, सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराकर हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी का संरक्षण। और उपाय क्या है, तो और उपाय है कि पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करो, ऐसे नहीं ढाले में खेती करेंगे तो बह जाएगा ना, कैसा खेती करेंगे, सीढ़ीनुमा कैसा करेंगे, तो पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती कर, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करके सीढ़ीनुमा खेती बोलते हैं सोपानी कृषि। क्या बोलते हैं, और ये कहाँ ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है उत्तराखंड में, कहाँ होता है। और उपाय क्या है, कितना कारण हो गया, 8 कारण हो गया ना, 9वां कारण और लिखा है, जितना भी कारण सोच के तुम लोग लिख सकता है। 9वां कारण क्या लिख सकते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर ही एक होता है, यहाँ ध्यान दे, जो हम लोग फसल में जो हम लोग रसायन का यूज करते हैं ना, खरपतवार नाशी कुछ रसायन का यूज करते हैं, दवा वगैरह का यूज नहीं करते हैं, तो दवा में पाया जाता है एल्ड्रीन। क्या पाया जाता है, और एल्ड्रीन नामक जो रसायन होता है ना, क्या कहता है, वो जो है मेढक का जो है ना प्रजनन क्षमता को रोक देता है, मेढक को क्या करता है, जितना मेढक तुम्हारा पहले है ना, वो मेढक को क्या करेगा, धीरे धीरे वो समाप्त कर देगा। क्या कर देगा, तो बोले तुम लोग को क्वेश्चन आएगा, बताओ कि मेढक के प्रजनन क्षमता के बोलेगा किस रसायन के प्रयोग से, खेत में किस रसायन के प्रयोग के मेढक का प्रजनन क्षमता घट जाता है, तो क्या बोलना है, एल्ड्रीन नामक रसायन के प्रयोग कर, एल्ड्रीन नामक रसायन का प्रयोग। अब बताओ जब मेढक के खेत में घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर मेढक क्या करता है, कीट फटिंग को नहीं खाता है, तुमने खाते देखा है कि नहीं, और जब मेढक घट जाएगा तो कीट फटिंग खाने वाला को रहेगा, और जब क्या होगा, मेढक घटेगा कीट फटिंग बढ़ जाएगा, और कीट फटिंग जब बढ़ जाएगा क्या करेगा, जब पत्ता को खा जाता है, देखा तुम लोग खा जाता है ना, तो हमको जो खेत में जो रसायन यूज करते हैं ना, उसमें एल्ड्रीन का रोक लगा देना, क्या कर देना, एल्ड्रीन का, यानी एल्ड्रीन नामक, यहाँ ध्यान दे, खेती में एल्ड्रीन नामक रसायन को रोक लगाकर यानी ये रसायन को यूज नहीं करना खेत में, इसका यूज करेंगे क्या होगा, मेढक समाप्त हो जाएगा, यानी मेढक का प्रजनन क्षमता घट जाएगा, यानी मेढक समाप्त हो जाएगा, तो क्या होगा, कीड़ा मकोड़ा बढ़ जाएगा ना, तो एल्ड्रीन नामक रसायन को रोक कर। आई क्वेश्चन पूछा गया है हमने, ये जो क्वेश्चन आई बोल रहे हैं कि खेती में किस रसायन के प्रयोग करने पर मेढक का प्रजनन क्षमता घट जाता है, इसका आंसर था एल्ड्रीन, क्या था, एल्ड्रीन। क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट में लिख देना है, क्या लिखना है, नोट में क्या लिखना है, कि मेढक की प्रजनन क्षमता यानी उसको मतलब बच्चा देने की क्षमता घट जाता है, किसी कारण, तो मेढक की प्रजनन क्षमता एल्ड्रीन, क्या बोल रहे हैं, एल्ड्रीन रसायन के कारण घट जाता है। चैप्टर हुआ खलास, चैप्टर क्या हुआ, खलास, जल्दी लिख, आज चैप्टर हुआ खलास, कर ले, कितना लेते आना है मेरे साथ, तुम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेना इसका।